सब्सक्राइब कयो असन जो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन टीवी HD आई वधी का अपडेट लाए बेल आइकन की क्लिक करियो मुझे सिन के सलाम सलाम सुन मुझे सिन के सलाम सलाम सुन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स सलाम सिंध में आवा के भलीकार पे कयो हर रोज या असन का सुबह हुंदी आ असि कोशिश होंगी है कि सुबह जड़ी खूबसूरत है ओतरी खूबसूरत कचहरी क्यों अड़ा खूबसूरत मेहमान तसा हुजन सो बहरहाल आसिफ सियाल तरफ का अवा सबन के अस्सलाम वालेकुम मुझे तरफा भी सबनी के अस्सलाम वालेकुम सलाम सिंध में जिन जिन इन वक्त सलाम सिंध ट्यून किया है उन्हें सभी के गुड मॉर्निंग मॉर्निंग असो जो टाइम है असो शो जो यूनिक टाइम आ सब इन वक्त मुझे ख्याल में फ्री हूँ छो जो स्कूल का यूनिवर्सिटी का या जो को है ऑफिस का सब जिनके ऑफिस वनो हों हलिया वही चुका हूँ स्कूल वाले बार स्कूल वही चुका हूँ यूनिवर्सिटी वाले बार जो यूनिवर्सिटी वही चुका हूँ सो पर इन वक्त जो है खोड़ सारो अस फ्री टाइम मिली वो है प्लस में अस प्रोग्राम में को न को अड़ो अहम टॉपिक हों डेली रूटीन के हिसाब से उन खोड़ सारो कुछ सीखा भी आयो बुधा भी आयो प्लस में तर अस बई भी जो है खोड़ सारू गाल सीखा भी आयो बुधा भी आयो ब कलाक शो कर मतलब यो ना तो सिर्फ ब कलाक वेही कर टीवी के अगर ऐण न जाहरी गल कें कें टॉपिक से असा गल उन टॉपिक के हवाले से असें अवेयरनेस कदें होंगी कदें न होंगी कदें होंगी तो घट होंगी तो अड़ा प्रोग्राम दिसण जो मकसद यो हों तुम जो है इंटरटेन तो असा कंदा ही रहा सो तो पूरी सिन टीवी है तक इंटरटेन कर पर अस काफ़ी अड़ी शूं या काफ़ी अड़ा टॉपिक्स हूँ जिनते असरी अवेयरनेस न होंगी है तो अड़न प्रोग्राम के जरिए तक मिली वी है बिल्कुल जिंदगी में अस रोज एक सबक खड़ी है जिंदगी जी चवन कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ सो जिंदगी रोज सबक दिए थी समझा पो कि रोज ही लर्निंग हो जिथे भी जो भी किथे तक सबक मिले उन जिंदगी में न सिर्फ बुधो जहन में विहार पर उनो अमली तौर पर उनके परफॉर्म करने की कोशिश कजे मुँह समेत ही सभी के जो सो है सुबह सुबह जो चाहिए मोटिवेशन है अड़ी शे है कि अस हमेशा डिस्कस कंदा रहंदा आहियूं हमेशा हजारे कोट्स जो सोशल मीडिया से शेयर कंदा रहंदा आहियूं एक्सचेंज कंदा रहंदा आहियूं ग्रुप्स में पर जद अमल जी गाल इंदी आए त मु समेत सब निल बटा निल हुंदा निल हुंदा न अवाकी में असा अमल लडो घटा जी असा दिसो कानून दानी नन जदे असा कानून जी गाल कने कानून लाए भी चनन हर कानून असा वट मौजूद आ है पर असा वट अमल जको है वो घटा है आई अमल के कराइदो जारी गला सब पाणे कराइदासी पर वही गाला त असा पण पाण के भी काफी शयन में पाण पोइते रखियो आ है मतलब सुस्ती काहली आई लेजी पन के हिसाब से सो बहरहाल ये सब नंढी नंढी शयूं जो इन असके पान के भी थोड़ा ध्यान रखन खपे पो वो कानून ही अमल हुजन या के असा जब या रूटीन में खोड़ सारा मसला हुंदा है सेहत के हवाले से हुंदा है बीमारियों हुंदियों काफ़ी शयन के असा इग्नोर कर छा अस अगर कोई माइनर किथे पेन थो अस उनके इग्नोर कर छा तो ठीक है यो थो वरी अस टैबलेट वगैरह वी सही थी माइनर को मसलो थी वो अस उनके जो है एतरो नयू खा मथे ते पर कदें कदें नंढड़ी शन उ अस वा मसला पैदा क्यों सेहत स्पेशली सेहत के हवाले से सो पर अज जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर है तो अमूमन खवातीन जी असो औरतू उन में ज़्यादातर यहाँ जो बीमारी आठी वी आए जो फीड कराइंदड़ माऊँ हूँ उन में यह घट हूँ जो नाहन कराइंद उन में यह डिठी वी है बकोल मेडिकल के या साइंस के सो बहरहाल अस अके मेहमान भी हूँ इन ही हवाले से इन ही अहम टॉपिक से अज अस ऐसी खोड़ सारा सवाल तहन में भी इंदा हूँ जो टॉपिक बुधा चुकी आया तो कड़ो है तो जो भी कॉल करें पर मेहरबानी टॉपिक से रिलेटेड सवाल हुजन अगर तक मेहमान से ऐलो भी है या उन हवाले से सवाल भी करो है
त टॉपिक सा रिलेटेड सवाल कजो, टॉपिक का हटी करे को भी सवाल न करे। जे असा कॉल वन के रिक्वेस्ट कस करें ये अड़ो को अहम टॉपिक हल्द के होटल वे के बे के टे कॉल वी छा वो मन टॉपिक का हटी कर शन। अगर कोई टॉपिक में फायद व चाहे तो गलण चाहे तो बिल्कुल तुम कॉल कर सोता। कॉल कर पैं जो है टीवी जो वॉल्यूम जो असो फर्ज हों होस्ट जो बुधायण तो टीवी जो वॉल्यूम जो है बरबानी म्यूट बंद ऑफ कर छिंदा कर बिल्कुल। अजो को जो टॉपिक इंपॉर्टेंट खास कर हर वुमेन के लिए है हर औरत के लिए है पर खास कर इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन थी ब्रेस्ट कैंसर के हवा से जो वो अड़ो मर्ज है जो औरत में जो सो थे पो खास कर रूरल वुमेन उन्होंने लिए इलाही वो इंपॉर्टेंट है छो जो वो पे अड़े गोठन वाली जी औरतू आन खास कर उन्होंने एक एक्सेस ना है शहर तई जैसे शहर तीन एक्सेस है तो उन्होंने वट हेल्थ एक्सपर्ट्स ना जो उन तरीके से उन्होंने ट्रीट कर सकन तो जे भी लेडीज बुधन पुं खुवान बुधन पुं तो उन्होंने गुजारिश है तो को प्रोग्राम बिल्कुल गौर से बुधो उन अंडरस्टैंड कर कड़ी शूं जो अस में लैक कन पुं कड़ी शूं अस हेजिटेट थूँ अस उनके डिस्कस कंदे तो असा के केतरो इंपॉर्टेंट है उनके डिस्कस करण। सो अज बिल्कुल जहनन के अखियन के सोच के खोले करे बिल्कुल तिना प्रोग्राम के गौर से दिसो छो जो ती मुलाकात करूँ पा उन स्पेशलिस्ट से जी बिल्कुल रहनुमाई कंदा तां के वो बारीकियों जे अवॉइड कंदा तिठो होंद फैमिली या तेज इर्द गिर्द जे मुतासर औरतू होंद केतरे लॉस में पहुंची थी वन केतरो डिस्टर्ब थी थे फैमिली। सो इन डिस्टर्बेंस का इन बीमारी का इन इन मर्ज का बचण के लिए अज को प्रोग्राम तमाम इंपॉर्टेंट है। सो इन प्रोग्राम के बिल्कुल भी मिस ना करो बिल्कुल यो भी प्लस में चवण चाहस असतू आन चलो उ बीमारी है या भी जाहिर गल पार्ट ऑफ बॉडी असि बॉडी जो हिस्सो है पर कदें कदें ये तो अस नाला वन का शर्माइंदा या पर जे असा जे अस भेनरू आज शादीशुदा उनके हस्बेंड उनको है तक शेयर करें खपे त अगर कोई तक अड़ो को सिम्टम्स नजर अचे तो हाँ इन बीमार जहाँ कड़ा सिम्टम्स होंगे उन बाद में ऐसी जैसे अस एक्सपर्ट्स इंदा पर काफ़ी वरी वो जी पैं गाल ध्यान न दींदा तो मतलब ये सूर थे पो या पेन थे पो या ये कुछ हों बस ठीक थी वो ये हूँ उ मर्द भी जो काफ़ी वरी अगत उन अड़ी मोट ना दींदा तो मायू थोड़ी वेचारियों पोते व्यन तो उन में अगर मर्द भी उन्होंने साथ दियन पेंजे भेण है माँ है चाहे वाइफ है कैसा भी को प्रॉब्लम थे तो असा जो भाईर उन्होंने भी थोड़ा अगत अच्छा खपे उही गाल है तो जैसे अवेयरनेस दे लाए अस इतने वेठा हूँ या अड़ा प्रोग्राम कें भी चैनल अस खोड़ सारा सुा सब चैनल जिनते सुा सुा प्रोग्राम इंदा हेल्थ के हवाले से तो उन सभी की इ कोशिश होंगी है तो जेतरो थी सके जै भी बीमारी जो को नी है या कें भी बीमारी के हवाले से अस गाल तो उन बारे में अस में अवेयरनेस दूँ बिल्कुल। असा गेस्ट इन टाइम स्टूडियो में पुजी चुका असो टाइम वे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ब्रेक का जी वापस इंदे ती मुलाकात कराइंदे उन मेहमान का वेलकम बैक व्यूअर्स वेलकम बैक। एक दफो बीहर अव खुश आमदीद पे क्यों भलीकार पे क्यों अजो को प्रोग्राम जी अस बुधा कि तमाम घणो इम्पोर्टेंट है जी अस प्रोग्राम जो इंट्रो जी दिनों से असा चयोसे कि औरतुन लाए यो प्रोग्राम अहम है खास करे पर जड़े असा इन शे थोड़ो स्लाइड डिस्कशन कियोसे तो असा खबर पई कि यो मर्दन जे लाए भी खोड़ इंपॉर्टेंट है न सिर्फ इन करे के पंजी औरतुन के हेल्प कन इन डिजीज के खां बचण जे लाए जेके ऑलरेडी मुतासिर आन औरतू उन के मदद फराहम कन डॉक्टर के एक्सेस उन्हें जो होजन खपे पर मर्दन जे लाए भी इलाही इंपॉर्टेंट है वो कड़े तरीके से इंपॉर्टेंट है न सिर्फ यह बीमारी औरतुन तई पर मर्दन तई भी है। सो जैसे असा
बहरहाल डिस्कशन असा कंदा रहंदासे पर जेको आसो असा सा मेहमान जेके आहिनि उन्हनि तारुफ़ जी तरफ़ हलूं पिया ताकि असा कोशिश कंदासे वध में वध क्वेश्चन्स असा जेको असा उन्हनि खां कयूं ऐं जेके बि असांजो प्रोग्राम ॾिसनि पिया महिरबानी करे जेके बि प्रोग्राम ॾिसो पिया रिलेवेंट क्वेश्चन्स कजो ऐं तव्हांजा कम जा क्वेश्चन्स हुजनि तव्हांजे ज़हन में कोई बि सवाल थो अचे त उहो बिल्कुलु असांजे इन्हनि हेल्थ एक्सपर्ट्स खां पुछी सघो था सो बिना कंहिं देरि जे हलूं था तारुफ़ जी तरफ़ असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर सुग्रा परवीन साहिबा एम बी बी एस एफ सी पी एस आहिनि ऐं रिटायर्ड जेको आहे सो जिना हॉस्पिटल मां तव्हां जेको कयो आहे रिटायरमेंट थी आहे तव्हांजी ऐं डॉक्टर नादिया नवाज असां सां गॾु आहिनि एम बी बी एस एफ सी पी एस आगा खान यूनिवर्सिटी ऐं उनखां अलावा जेको आहे तव्हां प्रैक्टिस कयो पिया जिना उन में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में सो तव्हांखे भली कार पिया कयूं साहिबु इन खे सभु खां पहिरियां क्वेश्चन त कहिड़ा इहे कॉमन फैक्टर्स आहिनि जंहिं सां इहा जेका डिज़ीज़ जेका आहे ब्रेस्ट कैंसर डिवलप थिए पई पहिरीं मां तव्हांजी शुक्रगुज़ार आहियां इहो अक्टूबर जो महीनो ब्रेस्ट कैंसर जी अवेयरनेस जो महीनो आहे पिंक रिबन असां चऊं था उनखे ऐं मां तव्हांजी न सिर्फ़ु तव्हांजी पर सोशल मीडिया जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी शुक्रगुज़ार आहियां जो असां पंहिंजी प्रैक्टिस में ॾिठो आहे त इन सॼे उनखां पोइ असां वटि वधि खां वधीक मरीज़ अचनि था जेके स्क्रीनिंग जे लाइ अचनि था ऐं पाकिस्तान जे में जिते पाकिस्तान में तव्हां ख़बर आहे एशिया में सेकेंड नंबर हाइएस्ट पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर जो रेशियो आहे ऐं अॻे माण्हुनि खे अवेयरनेस न हूंदी हुई माण्हू शर्माईंदा हुआ जज कंदा हुआ त असां पंहिंजी हिन बीमारी जो कीअं ज़िक्र करियूं पर हिन अवेयरनेस खां पोइ माण्हुनि में हिमत आई आहे बिल्कुलु औरतुनि में हिमत आई आहे मर्दनि में हिमत आई आहे त पंहिंजी ज़ालुनि खे वठी करे पंहिंजी भेणुनि खे वठी करे पंहिंजी धीअनि खे वठी करे जेको इस्पताल पहुचनि मुंहिंजा थैंक्स तव्हां सभिनी खे हाणे तव्हांजो जेको सुवाल त इन जूं निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि अच्छा मां ॾाढो सुठो सुवालु आहे हिकिड़ो हूंदो आहे न जॾहिं माण्हू खे किथे सूरु थींदो आहे बुखार थींदो आहे त माण्हू पहिरीं फुर्सत में डॉक्टर ॾे भॼंदो आहे हाणे बदकिस्मती सां कैंसर वरी अहिड़ी बीमारी जो शुरू जी स्टेज में उनजी का शुरूआती निशानी न हूंदी आहे माना सम्झो सूरु न हूंदो आहे मरीज़ खे ॻोड़ी त थींदी आहे पर सूरु न हूंदो आहे त पोइ हाणे उहो जेको माण्हू जंहिंखे नॉलेज न हुजे उहो चवंदो भई इहा बेज़रर ॻोड़ी आहे मूंखे महसूसु थिए थी मुंहिंजे हथ खे लॻे थी पर हाणे मूंखे तकलीफ़ न थींदी पई हुजे हुते छा आहेसि पोइ ठीकु आहे न हाणे इहो पहिरियों हिकिड़ो आम इंसान सोचे थो त इहो मां तव्हांखे ज़रूरु चवंदमि त ब्रेस्ट कैंसर जी जेका ॻोड़ी हूंदी आहे उहा शुरू जी स्टेज में सूर खां बग़ैर हूंदी आहे त माना जेका ॻोड़ी ब्रेस्ट में या जिस्म जे कंहिं बि हिसे में हुजे जंहिंमें सूर न हुजे त उनखे असांखे डॉक्टर खे ॾेखारणु इंतिहाई ज़रूरी आहे पर हुन सां गॾु वरी ॿियो सुवालु छा हर बग़ैर सुर वारी जेका ॻोड़ी हूंदी आहे उहा कैंसर न हूंदी आहे मुंहिंजे हिन सुवाल खे व्यूअर तव्हां ज़रूरु ॿुधिजो त जेका सूर खां बग़ैर ॻोड़ी हूंदी आहे उहा कैंसर थी सघे थी पर हर उहा ॻोड़ी जेका सूर खां बग़ैर हुजे उहा कैंसर न हूंदी आहे त इन डप खां त हाणे इहो थी सघे थो कैंसर हुजे असां डॉक्टर ॾे न वञूं तव्हां डॉक्टर ॾे अचो डॉक्टर जॾहिं चेक कंदो ऐं उन ख़बर पइजी वेंदी त छा इहो कैंसर आहे या कोन्हे त पोइ असां उनजो इलाजु मैडम काफ़ी औरतूं जेके आहिनि उहे इन शइ खां बि घबराईंदियूं आहिनि जेका असां ॻाल्हि कयूं पिया त जेको आहे मतिलबु शर्माईंदियूं आहिनि त असां कीअं कीअं चऊं छा कयूं पर जेकॾहिं ॻाल्हि करे बि विझंदियूं आहिनि डॉक्टर खे इन करे अवॉइड बि कंदियूं आहिनि त हिकु जीअं तव्हां चयो त हू चवंदियूं आहिनि आम ॻोड़ी आहे पई हुजे ॿियो वरी इहो त हिकिड़ो असांजे ज़हन में इहा शइ विधी वई आहे त अगरि जेकर कंहिं औरत खे ब्रेस्ट कैंसर थिए बि थी ख़ुदा न ख़्वास्ता त उनजी छाती रिमूव ई करणी आहे त छा वाक़ई में सिर्फ़ु छाती रिमूव इन जो हल आहे या को ॿियो बि आहे ॾिसो इन में मां हिकिड़ो अंग्रेज़ी में जुमिलो ॿुधाईंदसि पोइ उनखे सिंधी में चवंदा आहिनि त अर्ली डिटेक्शन इज़ द की ऑफ सक्सेस माना अगरि तव्हां बीमारी खे शुरू जी स्टेज में तशख़ीस करियो त ब्रेस्ट कैंसर उहो कैंसर आहे जंहिंखे हाणे असां लाइलाज नथा चऊं पहिरीं ॻाल्हि उन में असांजी जेका माना लाइफ सेविंग त 100% थिए थी पर छाती खे बि असां बचाए सघूं था छो जो ॾिसो निस्वानियत आहे चवंदा आहिनि न मतिलबु हुसन जेको औरत जो आहे उनजो छाती सां वॾो तालुक़ु आहे त उनखे इहो डपु हूंदो आहे त मुंहिंजी छाती रिमूव थींदो पर जेकॾहिं तव्हां अर्ली डिटेक्शन कई तव्हांजी स्टेज 1 ऐं 2 में जेको बीमारी तव्हांजी तशख़ीस थी वई त पोइ उन सूरत में तव्हांजी छाती बची सघे थी पर जेकॾहिं कंहिं बि वजह सां कैंसर जी नौयत अहिड़ी आहे जंहिंमें असांखे सेक्रीफाइस करिणो पए थो ऐं उनजो वॾो ऑपरेशन करे छाती रिमूव बि करे सघिजे थी त अलहमदुल्ला असां हाणे साइंस मेडिकल साइंस एतिरी तरक़ी कई आहे जो असां उनजी वापसि खां ॿीहर ब्रेस्ट खे रीकंस्ट्रक्ट करे सघूं था यानी असां कुदरत जहिड़ी त काई शइ नथी ठाही सघे पर उन सां मिलंदी जुलंदी छाती खे असां वापसि ठाहे सघूं था उनजे पंहिंजे जिस्म जे हिसे मां बि
ऐं आर्टिफिशियल इम्प्लांट जे तरीक़े सां बि असां ब्रेस्ट खे असां ॿीहर ठाहे सघूं था। उहा हिकिड़ी उहा हूंदी आहे स्किन जेका आहे त सर्जरी तव्हां कोई बि पार्ट खणी छॾियो, पर जेकॾहिं उन में जेको सो गोश्त वग़ैरह जीअं कटिबो आहे त उनखे कीअं फीलिंग थींदी? इहो ई त ॾिसो न, इहा ई त तरक़ी आहे। जेको जीअं माण्हू सड़नि था, स्किन हली थी वञे त उनखे असां ग्राफ्ट करे था छॾियूं, पर हिन में असां पंहिंजे एब्डामिन मां, पेट जे हेठी हिसे मां गोश्त ऐं फेट जेका आहे उहा बि ट्रांसफर कंदा आहियूं ब्रेस्ट में, ऐं उन सां गॾोगॾु छाती खे मां सम्झां थी असांखे शर्म खां बग़ैर इहा ॻाल्हि करणु घुरिजे त इवन निपल एरियो लाइ जेका माण्हू शौक़ में टैटूइंग कंदा आहिनि, असां उन टैटूइंग सां उनखे बि ठाहींदा आहियूं। सो आहियां मां ब्रेस्ट सर्जन सां गॾोगॾु प्लास्टिक सर्जन बि आहियां, त असां बिल्कुलु पेशेंट खे उनजी पंहिंजी पूरी सेटिस्फेक्शन जे हिसाब सां उहो जेको सो सॼो असां कमु कंदा आहियूं। पर असांजे लाइ शर्त इहो आहे त पेशेंट हुमत करे, पेशेंट दिलि करे, डॉक्टर ॾे अचे ऐं जेको डॉक्टर चए उन ते अमल करे, त पोइ उहो सभु थी सघे थो। पर जेकॾहिं को माण्हू चए थो त मां एॾे वॾे ऑपरेशननि खे नथो पुॼी सघां, मां नथो कराए सघां, त आर्टिफिशियल ब्रेस्ट अहिड़ियूं अची वियूं आहिनि जेकॾहिं केर बि माण्हू उहो यूज़ करे थो त उहो इंटरनल पॉकेट ठाहे बि विझी सघिजे थो बॉडी में, एक्सटर्नली बि उनखे अप्लाई करे सघिजे थो। त माना जेको ॿियो माण्हू हूंदो उनखे काई अहसासु कोन थींदो त हिन जो इहो ऑपरेशन। अच्छा मैडम, जीअं तव्हां ॾाढी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि कई त जेकॾहिं को का औरत इहे दिलि ॿधे बि थी ऐं एॾो वॾो ऑपरेशन पंहिंजो कराए बि थी, त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे जीअं तव्हां चयो त सभु हर कंहिंजी ख़्वाहिश हूंदी आहे त सुठो नज़र अचां, कंहिं बि वजह सां अगरि हू इहो ऑपरेशन करण लाइ तयारु बि थिए थी त उन जी जीअं तव्हां चयो त आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लॻी बि सघे थो, त उन में फ़र्क़ु छा हूंदो? त हिकिड़ो कुदरती त आहे त असां उन मां ज़ाहिर ॻाल्हि फीडिंग ॾेई सघूं था ॿार खे, त छा उन मां ॾेई सघिजे थो या मतिलबु सिर्फ़ु हिकु सूंहं जे लाइ हूंदो? इहो सिर्फ़ु सूंहं जे लाइ हूंदो, कॉस्मेटिक हूंदो, छो जो फीडिंग जेका आहे उन जे लाइ जेके खीर जूं नालियूं जेके हूंदियूं आहिनि उहे रूमो कुदरत निज़ाम ॾिनो आहे, त उहो जेको आहे उहो पॉसिबल कोन थी सघंदो। पर उनजो टेक्स्चर, उनजो जेको माना पंहिंजो बिल्कुलु नॉर्मल जेको माना ब्यूटी करे सघूं था। अच्छा डॉक्टर नादिया नवाज़ बि असां सां गॾु आहे, गायनोकोलॉजिस्ट आहे, त उन्हनि खां पुछंदासीं त ब्रेस्ट कैंसर जी ॻाल्हि हले पई त तव्हां वटि ज़ाहिर ॻाल्हि आहे खोड़ सारी औरतूं ईंदियूं हूंदियूं। ब्रेस्ट कैंसर असां ज़्यादातर ॿुधो आहे त जेके फीडिंग न कराईंदियूं आहिनि उन्हनि खे थींदो आहे, त छा वाक़ई जेका जेके औरतूं फीडिंग न हिन कराईंदियूं उन्हनि खे थींदो आहे या आम बि थी सघे थो, या तव्हां कीअं मतिलबु उन्हनि खे शक कीअं ज़ाहिर कंदा आहियो त थी सघे थो तव्हां में या एक्चुअली इहो चवणु सही न आहे त जेके न कराईंदियूं उन्हनि खे लाज़मी थींदो। अच्छा, लेकिन यस, ब्रेस्ट फीड कराइण सां इन जी प्रिवेंशन थी सघे थी। इन करे जे तव्हां ब्रेस्ट फीड कराईंदो त सर्टेन अहिड़ा हॉर्मोन्स बॉडी में इंक्रीज थींदा आहिनि जेके एक्चुअली ब्रेस्ट खे थोरा सा डॉर्मेंट फेज में खणी वेंदा आहिनि। उन टाइम ते 2 साल जीअं रिकमेंडेड आहे त कम अज़ कम तव्हां 2 साल फीड करायो, त उहे 2 साल तव्हांजी जेकी ब्रेस्ट कंटिन्यूस थ्रेट में हूंदी आहे हॉर्मोन्स जे, उन्हनि में न हूंदी आहे। त इहो एज़ अ प्रिवेंटिव मेजर थी सघे थो, लेकिन नॉट नेसेसरी की जेके फीड न कराईंदी उन्हनि खे ईंदो, बट यस, तव्हांखे मौक़ो मिले थो त ज़रूरु फीड कराओ। इनखे जेतिरो असां प्रोमोट कयूं ख़ासि करके सोशल मीडिया जे थ्रू, ओतिरो माइनि खे ॿुधायूं त हिननि में अक्सर माइयूं चवंदियूं आहिनि फीडिंग कराइण सां शेप ख़राबु थींदो, फीडिंग कराइण सां मुख़्तलिफ़ प्रॉब्लम्स थींदा, त इहो बिल्कुलु इट्स मिथ्स आहिनि। लेकिन अॼु असां मिथ्स खे डीबंक कयूं ताकी असां पंहिंजे प्लेटफॉर्म सां इहो मैसेज ॾियूं त एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर, ऐं जेके फीड नथी कराइनि उहे असां लाइ हाई रिस्क नथी वेंदियूं आहिनि। लेकिन जॾहिं बि कोई पेशेंट इन शइ लाइ ईंदी आहे त असां सवाल ज़रूरु कंदा आहियूं त तव्हां फीड कराइनि कनि न, और अगरि फीड न कराइनि त पोइ असांजी थोरी सस्पिशन वधी वेंदी आहे त वाकई इहा रसौली जेकी आहे जेकी उन्हनि खे गुडली महसूसु थिए थी, अलाह न करे उहा का ख़तरनाक रसौली न हुजे। अच्छा, कीअं कहिड़े तरीक़े सां असेसमेंट पंहिंजी सेल्फ माना एग्ज़ामिनेशन कजे त कीअं कंहिं मूंखे कैंसर आहे या उनजो कहिड़ा कहिड़ा साइंस उन्हनि खे पाण एग्ज़ामिनेशन कीअं करे हिकिड़ी औरत? इहो तव्हांजो ॾाढो सुठो सवालु आहे, इन करे इहो मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हां अर्ली पंहिंजे घर में ई असेसमेंट करे सघो था। इन जे लाइ असां इहो रिकमेंड कंदा आहियूं त हर फीमेल जेकी मेंस्ट्रुएट करे थी, इन करे पहिरियों इहो हूंदो त कैंसर सिर्फ़ु कुराणनि, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जेको रिप्रोडक्टिव एज जो डिज़ीज़ आहे उन्हनि में घणो थो थिए, यानी कि जंहिंमें पीरियड्स अचनि था, ॿार थियनि था, उन्हनि एजिस में इहो घणो थो थिए। त उन्हनि में असां इहो रिकमेंड कंदा आहियूं त जॾहिं बि तव्हांजी मंथली साइकिल्स अचनि थियूं
वंस तव उनका फ्री था थी वनो तो तहां जो को बात वठंदा हो उन में पाने के जरूरी मंथली यो पानो फिक्स कयो त मंथली तहां के हर साइकिल का पाने के एग्जामिन करो हर मंथली मतलब हर मंथली पाने के एग्जामिन कर बात वठन देवे वेन देवे उन सा चाहती तो ता पाने के एग्जामिन कंदो सेल्फ एग्जामिनेशन हुंदन उनन जा तरीको हुंदा है को एग्जामिन करण जो ऐसा बुधाइंदा हु उ ता एग्जामिन कनो तो ता के कोई अननेसेसरी जो डॉक्टर सुगरा गाल कई त अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से शुरू की बीमारी में कोई पेन न हों तुम कोई गुटली डिटेक्ट कद ही तुम डॉक्टर वट पची सौ पैनिक ना करो इन डॉक्टर सुगरा का ढी सुी गाल बुधाई त हर गुटली इज नॉट कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉन कैंसरस होंद मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ अस ऑब्जर्व क्या अल्ट्रासाउंड करा उनके दिसंदा लेकिन यस अगर डह में कैंसर भी है तो कम अज कम तुम अर्ली डिटेक्ट कर मुकम्मल इलाज करा अच्छा गुटली की तुम गाल त मतलब सिर्फ गुटली जेका है उन जे ही करे असा के डॉक्टर दे वणणो आ या असा माइंड में आने सकू ता त ठीक आ अगर सूर ना है जी अवेयरनेस अचे पी इंदी भी ने मानो में सूर ना है वरी बस के चेक करण खपे पर करे करे ई के औरत के छाती में सूर थिंदो आ त छा पो उन सूरत में भी उन के डॉक्टर दे वणण खपे या मतलब ओ छा जो सूर थी सके तो जी एज इन जा भी सिम्पटम्स ता बिल्कुल सही जो सिर्फ ओनली गुटली ना है जेनी करे छो पर कुछ एडा सर्टेन छे जी ओवरऑल ता के ब्रेस्ट में पेन तो थे एकड़े कोई वन साइडेड ब्रेस्ट में ताकि स्वेलिंग थी फील थे निपल में कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो अचे स्किन में कोई चेंजेस अचान शुरू थी वेन या ताजी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग आ डिटेक्शन लाइक स्क्रीनिंग ला अचो था ताजी फैमिली हिस्ट्री में ताजी सिस्टर के मदर के खाला पुपी इनन के थी चुका तो ये वे सर्टेन कंडीशंस है जेमे ताके अचनो राइट अगर डॉक्टर सुगरा ता खा मतलब एकड़ो क्वेश्चन हाने जेकर असा पंजी अवेयरनेस जी गाल के नॉलेज जी गाल के जी इंट्रो डे पे हजरात हजरा उन टाइम जड़े चो तो औरतुन में ब्रेस्ट कैंसर थी तो मतलब थोड़ो मुख्य मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस जो ही आयो तो मुख्य थोड़ी खिल बचे पी औरतुन में ही थी जाहिर गाल मतलब ब्रेस्ट कैंसर मर्दन में कि थी तो मैं जेस्चर दिनों एक फन में पो जरे ता या गाल के मर्दन में ब्रेस्ट कैंसर भी थी दैट वॉज मतलब न्यू टू मी ठीक है मां एकड़ो सरप्राइज थी वम सो यो मां फील कियो के या होंदी है लैक ऑफ अवेयरनेस माने सा उनके एक्सपीरियंस कियो जस्ट बैठे बैठे सो मर्दन में ब्रेस्ट कैंसर किए थी दिया अड सुठो सवाल हाने इन में यो आ है जो सो ये बीमारी हार्मोन से रिलेटेड आ हाने मर्द में भी चर्बी आ है उन में रिसेप्टर्स है जे में वो हार्मोन ठई सकंदा या उनजो कोई अड़ो बॉडी में जो अस जिगर है वो रोल आ हाँ कें हेपेटाइटिस थी या सॉरी टू से लेकिन मर्दन में अल्कोहल की कंजम्पशन ज्यादा थी तो उनके करे जिगर खराब थी जैसे अस बीमारी चाहिए सिरोस तिठो हों के मूँ पा में हेपेटाइटिस सी खड़ी अचन सिरोसिस करा भाई इन जिगर फैल थी वो तो हाँ जैसे जिगर फैल थी तो वो जो हार्मोन थोड़ी तादाद में मर्दन में ठहन उ भी उतने डाइजेस्ट कोन थींदा आहिनि त उन्हनि जी मिक़दार बॉडी में वधी वेंदी आहे ऐं पोइ उन्हनि जो असर छाती ते थींदो आहे या जेकॾहिं कंहिं मर्द खे प्रोस्टेट जो कैंसर थियो आहे तव्हांखे ख़बर आहे त उहो मर्दनि में पेशाब जी जेको हुदूद हूंदो आहे प्रोस्टेट जे असां लाइ मुख़्तलिफ़ सिम्पटम्स ईंदा आहिनि त उन में जेके दवाऊं ॾिबियूं आहिनि उहे बि उहे हार्मोन्स हूंदा आहिनि जेके औरतुनि में हार्मोन्स हूंदा आहिनि त जेकॾहिं उहे दवाऊं वठंदा त उन्हनि माण्हुनि खे बि उन्हनि मर्दनि खे बि ब्रेस्ट कैंसर थी सघे थो ऐं टियों जेको रीज़न आहे उहो फैमिली वाइज़ यानी यो मर्दन में अगर थिए तो ज्यादा चांस होंद है कि यो फैमिलियल हुए हेरिडिटरी हुए तो माना वडन का पुठिया आयो है उन छो जो मर्द की ब्रेस्ट की साइज नंढी होंगी तो जैसे वो थी तो वो स्प्रेड जल्दी थी वो दैट इज द रीज़न कि जी मर्दन में थी तो उनकी स्टेज जल्दी वी है सो ये सिम्पटम्स जो हुजन घुर्जन तो अगर कें मर्द के सिरोसिस यानी लिवर की बीमारी या वो मुख्तलिफ़ दवाओं वे तो या उनजे अल्कोहल जी कंजम्पशन है तो उनन में चांसेस जेके हुंदा है उवे ज्यादा हुंदा है मैडम आऊं हकड़ी गाल कंटिन्यूटी कयां थी जगह अलाई जरूरी है त प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जे हुंदो आ पर उन में जडे ता गाल थी त हकड़ी डॉक्टर नादिया जो बुधायो त असा मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन उनके चांदे असा कुछ लफ्स है जी बीएससी चांदा आयु ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन दिसो इन में के मानो जो कुछ भी खर्चो न थोती है सिर्फ एकड़े महीने में 10 मिनट पांजी जात के लियो सही दिसो केडो आसान आ एक महीने में 10 मिनट ता पांजी जात के लियो पान के शीशे में दिसो असा जडे पिंक रिबन जी गाल कंदायो त व्हाट इज पिंक बेसिकली पिंक जो है सो पी इज द प्रैक्टिस यानी तवा के जको सो बना प्रैक्टिस करनी है जगह तवा के
अजी का अवेयरनेस मिले पी वो ता पांची जिंदगी में अवेयर करो सही उन खा पो वरी आई इन्वेस्टिगेशन यानी जेका तांखे नॉलेज मिली उनके तवा इन्वेस्टिगेट करयो उने जो टेस्टू करायो वरी ता जेको मतलब एन जेको है नॉर्मल आई इत्ते अचे तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जेको बना औरत हर महीने में जडे पांजो ब्रेस्ट एग्जामिन कंदी या मर्द कंदो तो उनके जेने में थोड़ी भी एबनॉर्मलिटी इंदी चाहे वो गोड़ी नंडड़ी हुजण हुजे चाहे उनजी स्किन जी मन पांजी पान मौसम भी खाइंदा आयो ना उनजी ऑरेंज जी स्किन हुंदी है जेके पुकरिंग चेबो है ना ब्यूटी ऑरेंज स्किन तो ओड़े किस्म जी स्किन में का चेंज अचे या निपल के सा प्रेस कयो को डिस्चार्ज अचे तो चतो भई हे अगमे त ये न होयो हे हाणे थियो है आई हैव टू गो टू डॉक्टर मुके डॉक्टर के देखाणो बिल्कुल तो दैट इज नॉर्मल माने ताके पांजी ब्रेस्ट जे नॉर्मल होजण जो खबर होंदी उना पो के पिंक जो नॉलेज तो माने ताकि जेका भी नॉलेज अवेयरनेस आ मिले थी उनके पाण ते अप्लाई करो तो हाने जडे तवा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का पो हकड़ी स्टेज इंदी जे में तवा ब्रेस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन माने यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर ब्रेस्ट सर्जन ना वणो इवन ताके आम जनरल फिजिशियन ने भी वणी सको ता जेको ताजी ब्रेस्ट एग्जामिन करे उन खा पो ताजी टेस्ट थिंदी हाने यो भी एकड़ो प्लेटफॉर्म है औरत के जी थी ना के भी मानू के तो मैंने कैंसर उनके मेमोग्राम एक्सरे लिखी दींदा हाने दिसो मेमोग्राम इटसेल्फ सुठो टेस्ट ना है छोटो में शुआं घणी वन थी बॉडी में तो असा के मां स्पेशली इन प्रोग्राम में उनन सबनी मरीजन के उनन सबनी मानून के आई उनन सबनी नंडन नंडन डॉक्टर के जेके गली में वेटा इन उनन के बुधाइन चाहिंदस त 35 सालन का मथे जी औरत के तवा जरूर मेमोग्राम लिखो आई उन में भी लफ्ज तवा लिखो स्क्रीनिंग मेमोग्राम ताकि उन सा शुआं घट मिलन पर जेकी 35 सालन का घट औरत है 15 सालन जी छोकरी बेचारी 20 सालन जी छोकरी उनके मेमोग्राम लिखी ता जो ता उनके अल्ट्रासाउंड करायो अल्ट्रासाउंड 35 या 40 इयर्स का पेरी मेमोग्राम 35 या 40 इयर्स का पोए पुन में जेकी गोड़ी है तो तवा मेमोग्राम करायो बीमारी जला जेकी तवा सिर्फ भाई इन मामी के इन चाची माँ के या इन भेण के कैंसर हो तो उन में स्क्रीनिंग मेमोग्राम स्क्रीनिंग मेमोग्राम से अस शुआं मिलन थी वे बेजरर शुआं और के तकलीफ न दी प्लीज इन गाल के मुझे जरूर पढ़ते वठी गाल तमाम इंफॉर्मेटिव आओ यो छोड़ जाए थी जी मैडम गाल कई नादिया त हर महीने एक औरत के मतलब जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करन खपे त छा सिर्फ़ सिर्फ शादीशुदा के करण खपे या अनमेरिड के करण खपे अजरा इन जो शादी से कोई ताल्लुक नहीं अच्छा हां हाँ, बिल्कुल बल्कि ये गैर शादीशुदा जे के हुंदी हुन अगर जे जी लेट मैरिजेस थी थन या जे जी नाहन उनन में भी बल्कि ज्यादा उनन जी तादाद उनन में घणी थी वेंदी आ त इन शादी से कोई ताल्लुक ना है एक हैबिट आ जेकी हैबिट जो तक विझण खपे तमाम माइन के कम अज़ कम जरूर ए मर्द भी जी डॉक्टर साहबा बुधा तो मर्दन के भी एग्जामिन करण खपे लेकिन माइन के तो मंथली तक जरूर एग्जामिन करण अच्छा जी यो भी डिठो वेंदा मैडम तो चंदा तो जैसे केंजी माँ के ब्रेस्ट कैंसर थो है तो उनकी धी के थी सके तो जी अस गाल भी कई सी तो काफ़ी मू मतलब घबराइंदा आन रिश्ता इवन रिश्ता जो करण का भी घबराइंदा आन तो थी सके तो इन भी थे तो यो के पर्सन सही गाल बिल्कुल दिसो ये भी तमाम सुठो सवाल है असा जी 100 अंग खड़ूँ तो उन 100 अंगन में सिर्फ 5-10% जो होंगे वह फैमिलीज में रन कंदा है यानी अगर माँ के या मन खूनी रिश्तों यानी माँ हुए भेण हो मासी हुए मतलब नानी हुए दादी हुए जैसा खूनी रिश्तों है अगर उन कैंसर है तो पॉसिबिलिटी है ओनली 5-10% तो शायद यो इन थिए तो उनके अस क्या प्रिवेंट कर सकूँ अर्ली उन्हें स्क्रीनिंग कंदी मिसाल तौर तो जी आम औरत जैसे फैमिली में यह हिस्ट्री ना है तो उनकी 50 साल स्क्रीनिंग थिए तो इन जी छोकरियों वह 25-30 साल की उम्र का उन्होंने स्क्रीनिंग है वह जरूरी है तमाम मशहूर मुद्दे होंगी एंजेलिना जूली जैसी तक खबर होंगी तो उन्होंने फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हुई तो उन पान के उन बचाने के लिए प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी जैसे चबो है यानी उन यो को सोचो तो यो मुख्य बीमारी थिए मुख्य इलाज कराण पवे उन ब्रेस्ट
पंहिंजो ॿई रिमूव कराए छॾियूं ऐं आर्टिफिशियल जेको ब्रेस्ट ठही वियूं जंहिंखे असां ऐं उन स्टेज ते करण सां तव्हांजी पंहिंजी स्किन पंहिंजो निपल एरियो लाइ बचंदो आहे जेके असीं चवंदा आहियूं स्किन स्पेरिंग मिस्टेक। पर उन हिकिड़ो माण्हुनि जे लाइ मिसाल क़ाइमु कयो, वाकई में हिकिड़ो वॾो स्टेप खयो थी सघे हुनखे न बि थी सघे। हा हा न उन ॾिसो इहो जॾहिं छो जो पाण वटि थिए न हुते त वरी पोइ जीन्स जो टेस्ट थींदो आहे। जीन्स जो टेस्ट हिकिड़ो महांगो टेस्ट आहे, जेका ब्रेका वन ऐं ब्रेका टू जीन हूंदी आहे। माण्हुनि जे लाइ ज़रूरी न आहे त इहा ख़बर हुजे, पर उहो जीन्स जो टेस्ट कंदो आहे जंहिं मां ख़बर पवंदी आहे त असां छा उन्हनि 5% में अचूं था। सो माना उहो 5% में अचणु त माना उनखे इहो त भई मूंखे ज़िंदगी जे कंहिं बि स्टेज ते ओवरीज में बि कैंसर थी सघे थो, ब्रेस्ट में बि कैंसर थी सघे थो, त मां उनखां बचण जे लाइ ऐं उनखां पोइ हुन पंहिंजी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारे, बल्कि तमामु सुठी ज़िंदगी गुज़ारे, माण्हुनि जे लाइ मिसाल बि क़ाइमु कयो त तव्हां इन बीमारी खे उन तरीक़े सां न वठो त भई हिन जो ई थी वियो त इहो मुंहिंजे लाइ डेथ सेंटेंस आहे। माण्हू त चवंदा आहिनि भई मूंखे ख़बर पई ब्रेस्ट कैंसर आहे, हाणे मां मरी वेंदमि, हाणे मां बचंदमि न, इहो डेथ कैंसर, डेथ सेंटेंस, मतलबु साइकोलॉजिकली पाण खे मारे चुका हूंदा। हा बिल्कुलु। लेकिन इहा टेस्टिंग पाकिस्तान में अवेलेबल आहे ऐं खोड़ माण्हू कराइनि बि था। इन में जेको जंहिंखे ब्रेस्ट कैंसर थिए थो उहो पाण बि कराईंदो आहे ऐं जेके उन्हनि जा इमीजिएट सिस्टर्स वग़ैरह आहिनि कराईंदा आहिनि। अगरि उहो जेनेटिक टेस्टिंग पॉज़िटिव अचे थी त 90% चांस थी वेंदो आहे त तव्हां उनखे डेवलप कंदव, तॾहिं ई एंजेलिना जोली एॾो एक्सट्रीम वरी स्टेप वरितो जो उनजा चांसिस 90% हुआ। अच्छा मैडम, तव्हांखां इहो पुछणु चाहींदासीं त जीअं हिकु औरत खे ब्रेस्ट कैंसर आहे पर उनखे ख़बर कोन्हे का ऐं हू प्रेग्नेंट आहे, वरी डिलेवरी जॾहिं थिए थी त छा ॿार ते असर थिए थो उनजो या ॿार ते को असरु न थिए? ब्रेस्ट कैंसर जो इट सेल्फ ॿार ते ईअं असरु नथो थिए त उहो कंटेजियस न आहे कैंसर जेको आहे। एग्जैक्टली इहा असांजी हिकु मिथ हूंदी आहे माण्हुनि में, इहा ग़लति फहमी हूंदी आहे त कैंसर आहे हिन सां विहण में बि कैंसर थींदो, हथु मिलाइण में बि कैंसर थींदो। इवन अलाह सां एॾी नेचर रखी आहे त जेको पेट में ॿार आहे उनखे बि न लॻंदो। हा जेनेटिक ट्रांसफर थिए, अगरि उन जे पेट में ॿार आहे उनखे जीन्स जो ट्रांसफर थो थियो लेटर ऑन लाइफ में जीअं असां ॻाल्हियूं कयूं था उहा ॿी ॻाल्हि आहे, लेकिन एट द मोमेंट न ब्रेस्ट फीडिंग सां उहो लॻंदो ऐं ना ही असां जेको आहे उन कोई कंटेजियस डिज़ीज़ आहे। यस, अलाह न करे अगरि उन ब्रेस्ट कैंसर जी सिचुएशन वर्स थी थिए ऐं असांखे माई खे फॉरन इलाज जी तरफ़ वठी वञिणो आहे, पोइ उन में असां एक्सट्रीम स्टेप्स वठंदा आहियूं त जल्दी डिलीवरी कराए छॾियूं ताकी माउ जी जान बचाए। अच्छा मतिलबु तव्हां फीडिंग न रोकींदा? बिल्कुल बि न। अच्छा डॉक्टर नदिया, तव्हां गायनोकोलॉजिस्ट आहियो, बिल्कुलु असां ब्रेस्ट कैंसर ते बि ॻाल्हाईंदा रहंदासीं, पर तव्हां सां बि हिकिड़ो रिलेवेंट क्वेश्चन जेको आहे, ॾाढो औरतूं अॼुकल्ह उन मसइले में बि घणो सफ़र कनि पियूं। हिकिड़ो बांझपन जंहिंसां रिश्ता टुटी पवंदा आहिनि, जिथे मर्द ॿियूं शादियूं कंदा आहिनि ऐं जिथे औरत खे समाज में जेको आहे सो निग्लेक्ट कयो वेंदो आहे, उन औरत खे निभागी चयो वेंदो आहे। इहो हिकिड़ो ज़ुल्म असांजे समाज में, सोसाइटी में ॾाढो थिए पियो। सभु खां पहिरियां त उन मर्दनि खे, उन्हनि ससुनि खे इहो तव्हां ॿुधायो कि इहो जेको सो पुट जो औलाद या औलाद न थियणु मर्द जी केतिरी इन्वॉल्वमेंट आहे, औरत जी केतिरी आहे, कुदरत जी केतिरी इन्वॉल्वमेंट आहे? बिल्कुलु, इन करे तव्हां ॻाल्हायो बि था त मुंहिंजे दिलि में पिया लॻनि उहे वर्ड जेके फीमेल लाइ यूज़ थींदा आहिनि। इन करे अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती सां इहो अॼुकल्ह बल्कि असां घणो था ॾिसूं, जेके असांखे बुक्स था ॿुधाइनि, जेके असांखे रिसर्चिस थी ॿुधाइनि ऐं जेको असां ॾिसंदा आहियूं त 25% ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि अगरि चारि माइयूं तव्हांजे पंज माइयूं क्लिनिक में अचनि थियूं उन मां हिकु में मर्द जी प्रॉब्लम ईंदी आहे जॾहिं असां टेस्टिंग कराईंदा आहियूं। लेकिन बदकिस्मती सां अॼुकल्ह जेको असां क्लिनिक में वेहूं था इहा शइ काफ़ी कॉमन थी वई आहे। इन करे मर्दनि जी जेकी ज़ाहिर लाइफ स्टाइल हैबिट्स, स्ट्रेस, जॉब वग़ैरह जा कम, सिगरेट्स वग़ैरह, एडिक्शन्स डिफरेंट, त उन में असां ॾिसूं था त मर्दनि जी प्रॉब्लम घणी थी अचे। त जेके मर्द फॉरन सां ॿी शादी था करे छॾनि, असां वटि अहिड़ा बि कपल ईंदा आहिनि जो टे शादियूं कयूं टिनिनि में नथो थिए, जॾहिं मर्द जो टेस्टिंग कराई त जी प्रॉब्लम ई थिया, हाणे टिनि ज़ालुनि जो छा कयूं? पाण खे मारे छॾियो पंजाब में थियो आहे। सो इहे हादसा थियनि पिया, हिनखे असां बि लाइट विझंदासीं। टाइम थियो आहे कमर्शियल ब्रेक जो, कहिड़ा बि न वञो, इलाही इम्पोर्टेंट गुफ़्तगू थिए पई ऐं तव्हां यकीननि हिननि शयुनि खे बारीकियुनि खे सम्झंदा हूंदो ऐं तव्हां सां मिलूं था वरी ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंह के सलाम सलाम सुन।
वेलकम बैक जी एक दफो भी तुम सभी के भली कार क्यों सलाम सिंध में जो तसो भी पाया बुधो भी पाया असाजी कचहरी जो है केतरी इंपोर्टेंट केतरो सुठो टॉपिक है जैसे अस गए पाया में वद चुको है तुम फायद वो इन का वद में वद अगर क्वेश्चन करना है तो कॉल के थ्रू कर सो था। सो बहरहाल डॉक्टर नादिया से गुड है तो पुछंदी अच्छा वक्फे के हवा से सवाल कदस तो जी औरतुन में यो हों तो पा अस पा भी महसूस क्या तो भाई डॉक्टर तो बार पैदा थे वरी तहां ब साल का पो या टे साल का पो बार पैदा कर सको था पर काफ़ी औरतूं ने पंज छः सत साल उ पा मतलब मेडिसन वन तो असके बार न थे तो उनको मतलब कि केतरो साइंस के हवा से पुछंदस तो केतरो टाइम पीरियड हों वाकई में मेडिसन वी सकजन थी या न उन नुकसान जवाब एड यो भी कजो कि वक्फे के लिए कड़ी प्रिकॉशंस मन कड़ा होजन खपन केतरो मन साइड इफेक्ट जिन ना अच्छा अजरा एक्चुअली सवाल ढो सुठो इन जो मैं ये जवाब दियन चाहम तो एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर तो ठीक है एक मोमो एक प्रॉब्लम है जैसे सफर क्यों था अर्ली डिटेक्ट कर तो तुम कंप्लीट 100% इलाज कराए सको था लेकिन साथ में एक बी शैसा असि एशियन पाकिस्तान खास करके सफ़र करे तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी इट मीन्स माइन जो मरण डिलीवरी जचकी के दौरान डिलीवरी के दौरान वो असो रेशो एडो हाई है जिनके करे असा बर्थ स्पेसिंग यानी कि को प्रॉपर वक्फे के प्रोमोट कना तो तुम प्लीज पाँ बर्थ में स्पेसिंग कर जो फॉरन सालाना साल जी माइं बार डी दून प्रॉपर वक्फा अगर न कदी हुई तो उनमें तो उनमें माइन के खून की कमी फलान न्यूट्रिएंट्स की कमी फॉरन फॉरन बार तो थे फीड भी हले तो घर जा कम भी न्यूट्रिशन उन हिसाब की ना है जे हिसाब की एंटीनेटल केयर ना है डॉक्टर्स व पेरी डिलीवरी अगर के वे सेटअप में तो बी डिलीवरी जो का नंढे में टी घर में थी ये असो हिसाब किताब हल्द तो उन हिसाब से मायू जचकी के दौरान गुजारे वेंदी उन मैटरनल मोर्टेलिटी में अस माशाल्लाह सभी का अगते आयू तो इन कर बर्थ स्पेसिंग के प्रोमोट करना तो एक हेल्दी जरूर तुम बर्थ में स्पेस रखो उन में अल सही ऐसो तुम पा ही नेचर क्रिएट किया तो फीड करा जो तुम फीड कराइंदा तो उ साल अस रिकमेंड क्या फीडिंग करा ब साल तुम्हारी एक नैचुरल कॉन्ट्रसेप्शन थी उन में तुम एक बो एडिड मैथड यूज कौ तो फुल फ्लैच कॉन्ट्रसेप्शन यानी कि वक्फो बिन टिन साल वो तो आइडियली वी एडवाइस कि एक बिन बार विच में तक बिन या टिन साल वक्फो लाजमी करण खपे एटलीस्ट ब साल जैमें तेजे बार के फीट करा हाँ यो डिपेंड केज से भी कुछ छोक अजक कंसीव अर्ली थर्टीज का पो थी कन तो जैसे अस खबर हाँ नहीं ये 40 ते रीच करे वेंदी तो उन्होंने अस एडवाइस कर फैमिली जल्दी कंप्लीट कर सही लेकिन फिर वो तुम प्रॉपर चेकअप्स कराओ ताकि अल्लाह न करे का कॉम्प्लिकेशन न थे हाँ वक्फे में काफ़ी मैथड्स हूँ जी कि हाँ आसिफ गाल कई तो कड़ा मैथड्स हूँ तो उनमें कुछ अड़ा मैथड्स हूँ जी नॉन हॉर्मोनल हूँ जिनमें हॉर्मोन्स इन्वॉल्व न हूँ वह अस बुधाइंदा तो जी हे तक सेफ़ लेकिन उनमें वरी फेलियर जो चांस घणो हूँ कुछ मैथड्स हूँ जिनमें हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हूँ तो जैसे हॉर्मोन्स की अस मेडिसन्स दींदा तो यो रिकमेंडेड है यो मैं प्लेटफॉर्म से सभी के मैसेज दियण चाहम तो जैसे हॉर्मोनल मेडिकेशन वो तो प्लीज पाँ डॉक्टर की एडवाइस उन प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक वो अक्सर माइंड के ये अस कंनी का दवा दिनी हॉर्मोनल गोली खाने लाई दिनी उन पानी सारी सहेलियों के बुधा छी व्हाट्सएप के थ्रू कि डॉक्टर सूट थी करें एक्चुअली जी बी खाए थी तो सके उन माँ के ब्रेस्ट कैंसर रही चुको तो सके उन में अड़ो को रिस्क फैक्टर आ तुम गोली तो बुधा छी लेकिन अल्लाह न करे साल बिन का प्रॉब्लम्स में अची सन थी तो इन कर हॉर्मोनल मेडिकेशन्स होंद जैमें सुयू लगन कैप्सूल्स वगैरह अस रखाइंदा कुछ अड़े छले किस्म की भी शूं हूँ वो अस चवंदा तो प्लीज असा का प्रेस्क्राइब करे वठो अच्छा ठीक अगर ता डॉक्टर जी प्रेस्क्रिप्शन जी मुताबिक वठनो उन जे मशवरे सगर वठनो तो वो टोटली सेफ है ठीक डॉक्टर नदी ए नशे के मा थोड़ा ता का पुछनम के जी मिसाली गाल ता के चो तो वक्फो थे काफी अरी या मिथा या मतलब रीजंस मतलब को नेचुरली मतलब लाइफस्टाइल लेकर क्रिएट थन के बारन में जो असो औरतन में कंसीविंग जो मसलो लगो पुआ बार नथा जन जमन उन जो पोर तू चंदन जेके भी मतलब बार जन आन तो बाबा इन उम्र में जने छियो ठीक है वो मर्दन के जैसे बुधा वो इन शै बार जमन भी था तो बाबा तुम ये चाहे वक्फो या हाँ पॉपुलेशन से कंट्रोल के चंदा अल अजे तो इन शोसेस के रोकज न सो अड़े तरीके से थोड़ी रिसर्च में थोड़ो घड़ो जो पढ़ो मैं भी मतलब सोर्स मतलब सही न हो चवंदा तो मन जी 55 तई या 50 तई जो पीरियड्स स्टॉप थी हाँ वो जो एज की लिमिट घट थी वही है इज इट ट्रू
यस इट्स ट्रू. उन जी रीज़न ये है तो अजुकल जो सोसाइटी जब प्रेशर है हाँ अस क्लिनिक्स में वेहंदा आयूं शादी के टे महीना थन कपल अची वो सास ससुर पूरा खानदान बार न थो थे बाबा टे महीना थन थ्री मंथ्स थन तो वो जो प्रेशर तो अचे ना उन में वरी कुछ डॉक्टर जी वेहन था अगर तो वे फॉरन सा मेडिसिन्स से स्टार्ट था करे छन तो वो बार बार मू हर महीने राउंड थोड़ा चवन बाबा इनके दवा शुरू कर उ दवाओं तला खतरनाक है वे दवाओं ती साइकिल में अगर एक अंडो तो ठे तो समझो वो तह दह अंडा ठाई हाइपर स्टिमुलेट कहीं ना ओवुलेशन इंडक्शन कहीं तो वो तो वक्त का पैरों ही तको ओवरीज बिल्कुल डिवास्टेट थी वेंदन ए पीरियड्स खत्म थी वा. अच्छा जी तुम गाल कई तो टे महीना शादी के थन था वही मांग के अच्छी लगन अस बार खपे या फैमिलीज तटी हूँ साइंस छाती चवे तो जो कपल शादी करे तो हूँ तो कुदरत के हथ में आई है शे तो कें वन मंथ में थी कें एक साल में भी ना कें ब साल लगी वन तो यो अस हार्मोन्स से डिपेंड तो करे या केतरो टाइम पीरियड का मन बार थियण खपे अगर नो थे तो इलाज कराज. अच्छा अजरा एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में भी तो मैं इनते पैरों भी कुछ प्रोग्राम्स कर चुकी है पर सुठी गाल प्लेटफॉर्म से भी यो मैसेज मिले असानी सिंधी भेनर लाकर उ उर्दू चैनल्स से हूँ हुआ तो एक्चुअली अस रिकमेंड कर साल भर तहां अगर यंग आयो तहां जो हस्बैंड यंग आ तहां के का प्री बीमारी कोने थायराइड कोने कोई प्रॉब्लम्स ना इन तहां जी एज फीमेल बिलो देन 35 आ हस्बैंड जो का बिलो 40 आ सब नॉर्मल आ साइकिल ठीक आ त साल वेट कयो. अच्छा. हां त इन में कुछ एडवाइसेस वठण अची सगो था कुछ एड़ी लाइफस्टाइल जी चेंजिंग्स हुंदी उन कुछ एड़ा डेज हुंदा जे के अस बुधाइंदा आयो कुछ एड़ा सप्लीमेंट्स हुंदा जे में तहां के फॉरन सा फर्टिलिटी थिंदी पर अगर साल नथो थे त यस वी रिकमेंड के तहां पांजी टेस्टिंग करा. लेकिन अगर तहां के का बीमारी आ तहां के ऑलरेडी पॉलीसिस्टिक ओवरीज इन जे के माइंड में अजुकल्ह कॉमन इन तहां के थायराइड आ तहां के शुगर थी हलंदी अचे ब्लड प्रेशर मर्द के कोई प्रॉब्लम आ वो डायबिटिक आ वो स्मोकिंग घनी तो करे लाइफस्टाइल उन जो सुठो ना है या अजदवा की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स था फेस कन तो असा पो चवंदा टे का छह महीनन ताई असा वट अची वणो अगर बेबी तांके न तो थे. मैडम ने ना अच्छा मैडम का यो पुछदा सी जिया असा वक्फे जी गाल पे कई सी त हनन जो त जेके गोरियो असा दिंदा आयो पो वरी उहे मार्केटिंग थी विंदी आ ना मतलब सहेलिन में दोस्तिन में भेणन में त उहे अस ब्रेस्ट कैंसर की भी बे तरफ गाल क्यों पाया तो केतर खतरनाक इन या मायू साल साल वक्फन जो गोरियं खाईन तो असर बार न थे फिलहाल न थे न थे तो उन केतरा असरात असि बॉडी से पैजी सकता एक मेडिसन औतन में एक बी शड कजो जो पोल्ट्री जो चिकन आ केतरी हार्मफुल है मेडिसन नहीं या केतरी आन या पोल्ट्री उन लाइट जरूरी है. ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादातर बॉडी में जो रीज़न हों वो हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हों हाँ एक तो हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस थन तेमें यो तो छोकरी जो जवान थे टाइम का पैरी या छोकरी के बार बिल्कुल न थियन या छोकरी के बार वही उम्र में थियन ये सभी शन जो कैंसर दा मानू के वो कहन था. हाँ अगे तुम दिसंदा आया तो मैं छोकरी जवान थी हुई तेरह चौदह साल की उम्र में क्लास अठी नाइन में वी हाँ नंबी छोक जवान रीज़न है अस परेशान नहीं तो वही रिसर्चेस हलूँ तो खबर पी तो अस खाधो खाऊँ ता उनमें अस हार्मोन्स बहरा का मिलन था भाई मुख्य किथा हार्मोन्स मिलया तो ये खबर पी तो मू पी इलीगल तरीके से कुकड़न के खास कर चिकन के उन वजन वधाने के लिए उनके वे अड़ी खाद दियन था खाधो उनके अड़ो दियन था जैमें वे हार्मोन्स अचन था जे अस बॉडी में वन अजक बार ऐसो सब्जी ना खाइन अस चिकन खपे अस चिकन खाई मतलब अस जंक फूड्स खाई जैमें अस मैगीज आन मतलब उन वही चवन तो बाबा बार के खीर दियो खीर हेल्दी डाइट है. हाँ तुम वो भैंस कॉलोनी में तुम वन थिए या किथे भी तक एडी वी वी इंजेक्शन्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स वेचारी मेन के लगन दिन ताकि खीर की प्रोडक्शन ज्यादा थे. हाँ जैसे असि वो गोश्त खाऊँ था तो असानी बॉडी में वह हार्मोन्स अची था वन तो हाँ सवाल यो थी तो भाई जो गोश्त भी न खाऊँ चिकन न खाऊँ तो खाऊँ तो असि जिसम में प्रोटीन्स की कमी थी वी. हाँ दुनिया सदी में ऐसो इन कर ऑर्गेनिक फूड जो अची वो तो जे माना पोल्ट्री भी वह इस्तेमाल कजें जैके मूँ खबर हुए तो ये शूं न इस्तेमाल हुजन या पो वरी असा प्रोटीन जो नैमल बदल गोल्यूँ तो चाहते गरीब मूँ का पुछबो आ तो बाबा तू गोश्त खाई
चिबो मां तो गोश्त के पड़ी ना तो सका ता गोश्त ही ता गाल के त अल्लाह ताला ता हर के शे जी रिप्लेसमेंट रखिया त दालियों जे के आहिन पंजो वे बेहतरीन सोर्स आहिन प्रोटीन से जे का सारी बॉडी में माना मिलन छु आउ ये नथी चवा ता आज का मानु गोश्त या चिकन खाइन छड़े नी पर असा यो जरूर केयर करियो असा यो जरूर दिसो ता असा जे को सोर्स आहे वो रिलायबल आहे या कोनी असा जे को खीर जे ता वठो ता वो यो तो कोनी जे को यो मतलब इंजेक्शन लगेल वारो जे को मतलब खीर हो जे या तथी असा ने खादे सा रिलेशन में तवा के वक्फे जी गाल हाने दिसो वक्फो भी जरूरी है उने में कुदरत पार भी के मुस्लिम भी आई मेरे ख्याल में हर मजहब दिसो असा जे को है वो शादी के असा पांजे इस्लाम में तो सुन्नत चयो वेदो छो जो या शादी असा के गणीन शयन का न सिर्फ फिजिकल बीमारी का पर असन सोशल लाइफ में जे के बेरा रिव्यू हैं उनन का भी रोक बिल्कुल अर्ली उम्र जी शादी अर्ली या नथी मां जवा को 15 साल जी 14 साल जी उम्र में शादी थे पर माना 20s का पो जी उम्र जी शादी थी थी अर्ली बार थिए तो असन के ब्रेस्ट कैंसर का रोके तो ठीक है माना उन का पो वरी जकनी 2 साल जी डॉक्टर नादिया बुदायो तो जकनी कोई फीड कराए तो इन के चवना ही नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन लव्स यूज द तो कुदरती असांके जेको इन में प्रेगनेंसी कोन थींदी आहे तो वो असांके जेका सा माना हेल्प मिले थी ऐं तंहिंखां पोइ ॿिया तरीक़ा हूंदा आहिनि त या त असां हार्मोन्स जूं गोरियूं वठी ॿार खे रोकियूं या असां फिज़िकल मैथड्स इनखे यूज़ चयो लव्स यूज़ कंदा आहियूं जंहिंमें असांखे कंडोम्स जो बि इस्तेमालु हूंदो आहे जंहिंमें असांखे सिंधी में आम तौर ते वणंदा बाबा छलो रखाए छॾियो त दिस इज़ द बेस्ट वे मतिलबु जंहिंमें असांखे बॉडी में कोई हार्मोन्स नथा वञनि ऐं असां जेको वक़फ़ो कयूं था पर जेकॾहिं असांखे गोरियुनि जो वठिणो पवे थो कंहिं बि वजह सां इंजेक्शन त उहे गायनोकोलॉजिस्ट जे मशवरे सां जंहिंमें असां ॿ हार्मोन्स हूंदा आहिनि बॉडी में ईस्ट्रोजन ऐं प्रोजेस्टेरॉन त उन में असां लेवल ॾिसंदा आहियूं त कंहिंजी ज़्यादा आहे ऐं उन औरत खे कहिड़ी शइ सूट करे थी सो माना चवंदा आहिनि सेल्फ मेडिकेशन इज़ इंजूरियस फॉर द हेल्थ त असां पंहिंजी मर्ज़ी जी दवा न वठूं डॉक्टर जे मशवरे सां वठूं ऐं हिकिड़े खे मखसूस टाइम पीरियड जे लाइ वठूं ईअं न त असां 6 साल खाईंदा रहूं उहो गोरियूं ऐं उहो असांजे लाइ नुक़सानदेह साबित थियनि ऐं इहा जेकॾहिं जीअं डॉक्टर नादिया ॿुधायो त अगरि हुनजी फैमिली में हिस्ट्री आहे कैंसर जी त उनखे असां फिज़िकल मैथड्स ॿुधाईंदासीं असां हुनखे हार्मोन्स जूं गोरियूं न ॿुधाईंदासीं त उहो इहे खाइनि सो दिस इज़ हाउ मतिलबु असांखे वक़फ़ो करणो बि आहे ज़रूरी आहे मतिलबु मैम तमामु तमामु ज़बरदस्त सारी ॻाल्हियूं थियनि पियूं ऐं इन असांजी बि नॉलेज में इज़ाफ़ो थिए पियो यकीननि जेके बि ख़्वातीन आहिनि उहे बि इंजॉय कंदियूं हूंदियूं ऐं जेके बि ख़्वातीन ॾिसंदियूं प्रोग्राम टाइम वधंदो पियो वञे ऐं उहे क्वेश्चन्स असां पुछण वारा हूं ॿिन्ही हेल्थ एक्सपर्ट्स खां जेके तव्हां ॿुधणु चाहियो पिया पर ऐं रिलेटेड जेको क्वेश्चन्स तव्हांजे माइंड में अचनि पिया त असां सां बिल्कुलु शामिलु थी सघो था प्रोग्राम में कॉल जे थ्रू ऐं बादल साईं तव्हां असांखे गानो बि ॿुधायो आहे जेको सुख विया सिरजस ता सूर सामायस त सुख विया इहे बई पूर मोन माणी नसीब थिया जिंदगी ओ जिंदगी ओ जिंदगी ओ जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी लुक जो झोलो आहे जो गोलो आहे जिंदगी लुक जो झोलो आहे जिंदगी लुक जो गोलो आहे जिंदगी Hey.
जो गोलो आहे जिंदगी रुक जो गोलो आहे जिंदगी वह जो गोलो आहे जिंदगी रुक जो गोलो आहे जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी को सोलो ना है जिंदगी रुक जो बोलो आए जिंदगी कम को सोलो ना है जिंदगी रुक जो बोलो आए जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी मालिक जो उछले आहे दिनू मालिक जो उछले आहे दिनू मालिक जो उछले आहे दिनू बिन जो लो लो आहे जिंदगी जो लो लो आहे जिंदगी जिंदगी ओ 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 जिंदगी वाह 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 बिल्कुल ॿुधायो चवंदा आहिनि त मौसीकी रूह जी ग़िज़ा आहे ऐं अॼु मूंखे हिन जो अहसासु थियो जो जॾहिं असां कैंसर जहिड़ी बीमारी ते ॻाल्हायूं था जंहिंमें ॾुख ई ज़िंदगी गॾु गॾु आहे त इन गाने असांखे तमामु घणो सुरूर बख़्शियो ऐं बिल्कुलु चवंदा आहिनि न जान आहे त जहान आहे ऐं ज़िंदगी जे लाइ जेकॾहिं असांखे छाती जी क़ुर्बानी ॾियणी पए त उहो चवंदा आहिनि न त हिकु ख़राबु मच्छी सॼे तालाब खे ख़राबु कंदी आहे त जिस्म जेको हिकिड़ो सो अगरि ख़राबु थिए ऐं उनजो असां इलाजु न करायूं ऐं पाण ज़िंदगी खां वञूं तंहिंखां बहितर न आहे त असां उन जिस्म जो ॿारनि में वक़फ़ो सो वक़फ़ो केतिरो इम्पोर्टेंट आहे उहो इन जे करे जो इहे जेको चैनल बि हले थो न वक़फ़े जे करे हले थो सो व्यूअर्स सां वठूं था हिकिड़ो वक़फ़ो वेलकम बैक जी दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ऐं असां जा महिमान में असां सां गॾु आहिनि ख़ूबसूरत कचहरी बि हले पई अच्छा डॉक्टर नादिया नवाज़ खां पुछंदासीं त काफ़ी औरतुनि में इहो थींदो आहे त जेको आहे शादी खां पोइ अगरि उन्हनि खे ॿारु थिए बि थो त हिकु त इन ते असां ॻाल्हाए चुका आहियूं त कंहिंखे ॿारु थिए थो जल्दी कंहिंखे नथो थिए त वरी कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त तव्हांखे कंहिं बि वजह सां जेको आहे अबॉर्शन कराइणो पइजी वेंदो आहे या ईअं ई माइंड जो हा कुदरती तौरु थी वेंदो आहे उन खां पोइ वरी काफ़ी में ॾिठो वेंदो आहे त उन्हनि खे ॿार न थींदो आहे उहे इलाज बि कराईंदियूं आहिनि काफ़ी कोशिशूं बि कराईंदियूं आहिनि टोटका बि इस्तेमालु कंदियूं आहिनि त उनजी छा वजह आहे त माना साल साल वरी उन्हनि खे ॿार न थींदो आहे उन्हनि जी इज़ा वजह इहा त एक्चुअली जेको उन्हनि पहिरियों कंसीव कयो हूंदो आहे न उहा बि हिकु वीक प्रेगनेंसी हूंदी आहे ऐं उहो ई रीज़न हूंदो आहे त उहा कंटिन्यू न थी सघी हाणे उहा वीक प्रेगनेंसी कीअं थी छा ख़ातून जा जेके एग्स आहिनि उहे वीक था ठहनि मेल जी तरफ़ सां जेके स्पर्म्स आहिनि उहे एबनॉर्मल आहिनि टुटल फुटियल आहिनि या माई खे ऑलरेडी कोई बीमारी या कोई थायराइड जो प्रॉब्लम आहे कोई बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ थी हले त उन में लकली उहा प्रेगनेंट त थी वई लेकिन कंटिन्यू न थी लेकिन बाद में उहा शइ वर्स थी वई या बाद में उहा शइ कंटिन्यू हूंदी त वरी उहा प्रेगनेंट ई नथी थी सघे त इन करे चवंदा आहिनि त भले हिकु ई मिसकैरेज हुजे लेकिन तव्हां ज़रूरु अची पंहिंजी इवेल्युएशन करायो त छो थियो रीज़न छा आहे असांजे सोसाइटी में काफ़ी कॉमन आहे थियो ख़ैरु आहे वरी थी वेंदो पर वरी टाइम लॻंदो वेंदो आहे मामलात ख़राबु थींदा वेंदा त इन करे हाणे रुटीन में मोस्टली गायनेकोलॉजिस्ट हिकु ई मिसकैरेज खां पोइ कुझु चार पंज टेस्ट लिखी ॾेई छॾींदा आहिनि ऐं अगरि ॿ मिसकैरेज था थियनि त असां मेल जो बि कराए छॾींदा आहियूं कहीं वजह हुते त कोन्हे ऐं उते ऐं
एक्चुअली ट्रीटमेंट छा हूंदी कुछ विटामिंस कुछ मल्टी वाइटामिंस कुछ जेकी मिसकैरेज जी वजह मेन फैक्ट जेको जो यस व्हाई नॉट बिल्कुल या चीज काफी मानु समझना त अगर बार त थियो ना जाय ना तो ते माई जो प्रॉब्लम आ ये न हुंदा अगर स्पर्म वीक आ टुटल फुटल आ नॉर्मल ना है यानी कि क्वांटिटी त ठीक आ लेकिन टुटल फुटल इन त उने में छा थिनो त प्रेगनेंसी थी त वेंदी कंटिन्यू न थी त इन करे मिसकैरेजेस में भी ऐसा मेल इनफर्टिलिटी के काउंट करना है एज अ टेस्ट करा अच्छा जेको ता बुधाय थायराइड काफी औरतुन में थिनो आ है त छा जेका औरत थायराइड जी मरीज आहे उनके बार एक तो असा तो यो बुधो आ त उनके घट चांसेस हुंदा है बार थेन जा त छा इन सा मतलब इन जो केतरो ताल्लुक आ है त वाकई थायराइड इनफर्टिलिटी यानी के बांझपन सा रिलेटेड आ है लेकिन ये ना है त जिनके थायराइड होने के बार न तो थी अच्छा। सके उनके सुठो कंट्रोल में रखनो हुंदा थ्रू गुड लाइफस्टाइल सजेशंस इन और मेडिसिंस एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग मॉनिटर कंदी त थायराइड प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही है जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कोई उन जो प्रॉब्लम न थींदो आ लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड आ तो यस वो पर तांजी प्रॉब्लम सही अच्छा यो बतायो आजकल तो मतलब मेडिकल इलाही मतलब जिद्दत अख्तियार करे वई आए आई जी अग में चोंदो के माने बार नथो थे के औरत के त हाने यो भी एतरी टेक्नोलॉजी अची वया त बा ताके छोकरी खपे या छोकरो खपे आ यो भी मतलब थे पियो आई जेकर सफा चांस हुए भी नाहन त भी स्पर्म मतलब जो सो डोनेशन भी थी करे पाकिस्तान में भी हले पे सब कुछ एक्चुअली आसिफ तमा वही जी पेरू जिक्र कर तो मा पाण ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में आईवीएफ कंदी है आईवीएफ तो एक को प्रोग्राम असाइन असाइन कयो लेकिन अस साथ एको हकीम हो तो मा ये गाल चई छदी तो आज कल जेंडर सिलेक्शन आ तो मुसा वड़ी पियो ता अगेंस्ट द नेचर जो का ना गाल था कयो लेकिन व्हाई नॉट यानी के अगर ताके पंज चार पंज धीरियन तीन फैमिली कंप्लीट करना चाहो था या चार पंज पुट दिल तो चे फैमिली कंप्लीट थे तो बजाय लाइन हण के अगर टेक्नोलॉजी मौजूद है तहाँ जो स्पर्म यूज तो थे तहाँ की वाइफ जो है हलाल तरीके से वाई नॉट कि जेंडर सिलेक्शन करा तो वो अस शे पाकिस्तान में थन भी थी मां पा भी क्या थी उनमें वो टेक्नोलॉजीज यूज क्यों था के बे जो स्पर्म यूज कर स्पर्म डोनेशन जेकी ता चो या के बे जो एग यूज कर वो असन जे ना दीन में आना सा करंटली पाकिस्तान right. में कयूं था लेकिन कुछ मुस्लिम कंट्रीज में ये शे स्टार्ट थी जो सही अच्छा ए ओई चवा पो जे करे ये अस वेटरनरी में अची वियो त बाबा मे में जो सो वच खपे या जो सो पाडो खपे तो उते ही जे कैसी अप्लाई थन थी जने ह्यूमन में अचे थी जेंडर में उते चो ना स्टॉप करे छ जो सो ओवरऑल यो या की टेक्नोलॉजी आई नते काफी मायू जे के न बांज माण्हू अचनि था जंहिं त अफोर्डेबिलिटी आहे जेको इलाज अफोर्ड करे सघनि था उहे अचनि था महांगो आहे इलाज इलाज थोड़ो कॉस्टली हों इन कर एक टेक्नोलॉजी है जिनके यूज था कर लैब इन्वॉल्व थी एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट काफ़ी डॉक्टर्स इन्वॉल्व हूँ तो यो इलाज थोड़ो सो कॉस्टली है अच्छा, इलाज की गाल कर महंगो तो पैं जाए पर उन काफ़ी औरतुन जो यो भी सवाल है छो जो मैडम की खबर होंगी मैडम पर्सनली सुे भी थी तो असि फैमिली में बटे अड़ी लाइक मुझी सिस्टर थी वही या भाभी थी वही उन्हनि खे वरी इहो आहे सोच में त अगरि काई औरत आई वी एफ कराए बि थी त उनखे वरी तकलीफ़ थी थिए उहा ॾाढो तकलीफ़ में रहे थी उनखे ॾाढो मतिलबु बेड रेस्ट था चवनि हेठि पेर बि नाहे रखिणो वॉशरूम ताईं तोखे स्लोली स्लोली वञिणो आहे त छा इहे सभु शयूं सही आहिनि या नॉर्मल रही सघे एक्चुअली छा थींदो आहे त आई वी एफ जी प्रेगनेंसीज़ में छोकि इहे हिकु आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आहे जंहिंखे यूज़ था कयूं त प्रेगनेंसी जे दौरान कुझु कॉम्प्लिकेशन रहण जा ख़दशा रहंदा आहिनि बी पी थो वधी सघे डायबिटीज़ थी थी सघे ॿार जी ग्रोथ घटि थी सघे वक़्त खां पहिरियों ॿारु थो ॼमी सघे त उन जे लाइ केयर करण लाइ असां ईअं न आहे त बिल्कुलु बेड ते बेड रेस्ट रखंदा आहियूं लेकिन उनखे एक्सट्रीमली मॉनिटर कंदा आहियूं मोस्टली माण्हू कुझु न कुझु अगरि प्रॉब्लम डेवलप कनि था त उनजी केयर त ॿुधाईंदासीं इन करे असां लाइ काफ़ी प्रेशियस ॿार हूंदा आहिनि त उनजी मॉनिटरिंग डिफरेंट तरीक़े सां थींदी आहे तव्हां अचूं पिया हिकिड़ो क्वेश्चन ॿ क्वेश्चन असां टाइम शॉर्ट आहे त मां चाहींदुमि की मैक्सिमम तव्हां खां जेको आहे सो पुछी वठूं हिकु त मतिलबु कैंसर डायग्नोस कीअं थींदी आहे कहिड़े तरीक़े सां कजे ऐं ॿी ॻाल्हि के असां ॾिसूं पिया हिकिड़ी ग्लैमर जेका लाइफ आहे मीडिया जी लाइफ आहे हॉलीवुड थी वियो या बॉलीवुड थी वियो त उते जेको आहे सो चवंदा आहिनि हर स्किन जो पंहिंजो ख़्यालु रखण ई पन मतिलबु हिकिड़ो प्रोफेशनलिज़म आहे तव्हां पंहिंजे हिकु हिकु हेयर हिकु हिकु स्किन जे माना केयर कंदा हो त पोइ उते जेको रेशो कैंसर जो छो वधियो आहे जीअं मनीषा कोइराला थी वई सोनाली बांद्रे थी वई रेविना टंडन थी वई अहिड़ियूं काफ़ी जेके हीरो हीरोइंस आहिनि उनखे कैंसर छो पई थिए तव्हां ॿ सवाल कुझु पुछिया ऐं ॿई सवाल पंहिंजी जॻह ते तमामु घणा इंपॉर्टेंट आहिनि पहिरीं पाण सीरियस सवाल ते था अचूं
जो असा डायग्नोस किए हाँ देखो ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के अस चाहता है ट्रिपल असेसमेंट माना टिन तरीक से अस उन डायग्नोस क्या एकड़ो तो मरीज पान पान के गोड़ी महसूस कई या डॉक्टर उनको दिठो उनके चेक कयो माना पेरी हिस्ट्री अस डी आई चेक कयो अस उम्र के हिसाब से अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम कर उनकी कन्फर्मेशन कई तो ये बेजर गोड़ी है इनजो के जड़ू को या ये खतरनाक गोड़ी है उन अस उनको सुई वो टेस्ट कदा जी खतरनाक होंगी है लगती है असें तो वह सुई वाले टेस्ट के असा चाहता है नीडल बायोप्सी तो असानी मिथ आ अस आस पास मूल सुई वाले टेस्ट का घबराइंदा सॉरी टू से जो हकीम हजरात असान उ चाहता जी कैंसर के सुई लगी तो वो फैलजी वो ऐसो तक बुदा जी सुई लगन से कैंसर फैलज तो डॉक्टर्स अस चरिया तो ना ही जो एडवाइस कदे तो यो किथे भी कें भी रिसर्च में साबित कोने तो सुई लगन से कैंसर फैलज है तो वो अस सुई वो टेस्ट कदा ही इन करूँ तो असंख कैंसर की नोयत खबर पवे कैंसर के अस सिर्फ ऑपरेशन से हल कर कैंसर में असंख कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी खपे थी मान सवाल से जरूर इंदम कुछ मानू ऑपरेशन कराए चंदा तो भाई न रहा बांस न बजी की बांसरी कि गोड़ी हुई निकरी वही खत्म थी वो पर न जी कैंसर है तो ऑपरेशन एकड़ो पार्ट है अस इलाज जो इट्स नॉट अ कंप्लीट इलाज योड़ो पार्ट है अस ऑपरेशन असके बायोप्सी की रिपोर्ट बुधाईंदी तो यो कैंसर इन में असके शवाओं की दवाओं की जरूरत है या कोने उन मुताबिकत से अस कीमोथेरेपी भी कदा अस हार्मोनल थेरेपी भी कदा अस शवाओं का इलाज भी कराइंदा हाँ जो मू पढ़े लिखल आ समझदार आज शुरू की स्टेज में स्टेज माना स्टेज वन टू जी है उनमें जी अचे तो असके काफ़ी टाइम से न असके कीमोथेरेपी की जरूरत पवी है न रेडियोथेरेपी की जरूरत पवी है औरतू पे वार परेशान होंद तो वार लही वा कीमोथेरेपी में तो उनमें पहली गाल जो तुम टाइम घट है तो मैं जरूरी गाल बुधा चाहम तो एक गाल तो भी जी अगर वार लही वन था तो यो सिर्फ इट्स अ गेम ऑफ ओनली सिक्स मंथ्स छः महीने जो तुम टाइम आ तक वही बेहर उन सुठा वार अची वा पर स्टिल तुम चाहो था तो असा वार तो अस अड़ा भी सिस्टम है तो अस उन औरत जहाँ पाँजा ही वार पैरी का रिमूव कराए उन आर्टिफिशियल विग ठाए उन सजी जो हेयर लाइन ठाए कर उनके अस यूज कराइंदा वो औरत पाँजा ही वार पुठिया यूज कर मतलब वो रीग्रो जरा थन था तो पो जरूरत ना है वो तो पाजा वाली छजी कीमोथेरेपी बंद थी पे नॉर्मल सुटा हेयर उन जा अची विंदा उन जा रीग्रो थी विंदा पर जिकडी तवा ने शुरू जी स्टेज में डायग्नोसिस थी वई तो ताके ना कीमोथेरेपी थी सके तो जरूरत ही न पवे हाने स्टेज की है छा सिर्फ छाती तई महदूद आ छा छाती मा निकरी करे बगल में हली वयो आ छा वो बगल का निकरी करे जिगर में हली वो या कि हडीन में हली वो जिगर ही हडी में की तो पुजे डॉक्टर सो छो जो तने तो आगे चना ना तो भी ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट तई महदूद है पर हाने असा उन डिजीज जो नालो रखियो सिस्टमिक डिजीज माना वो खाली ब्रेस्ट के नथी इन्वॉल्व करे वो जिगर में भी खून के जरिए वनी सके थी हडीन में भी दिसो अगड़ी औरत है हलंदे हलंदे मामूली सी किरी आई खबर पई फ्रैक्चर थी हो अरे बाबा इन करण से फ्रैक्चर किए थे खबर पई तो को कैंसर हो जो उन हडी में अची वो उनके हल्के किरण से हडी टूटी वही तो इनके अस चाहिए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एकड़ो तो होंद एक्सीडेंट थे वो धक् लगे जैमें हडी टूटे पर एकड़ो मामूली हलण से हडी टूटी वे तो इनके अस चाहिए ये ऑलरेडी वह बोन वह हडी डिजीज हुई उनमें बीमारी हुई जैसे कर टूटी पी तो असके उनके भी जो तशखीस करनी होंगी है तो अस जैसे ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस क्या तो सुई वाले टेस्ट का जैसे कन्फर्म तो ब्रेस्ट कैंसर आस वो उनको सी टी स्कैन कराइंदा उनको हर बोन स्कैन कराइंदा ताकि असें खबर पे तो ये बी जगह से न वो अस उनकी स्टेज मुकर्र क्या तो भी हाँ ये एडवांस स्टेज है या ये इनिशियल स्टेज में बदकिस्मती से मैं दुख से चाहती छोजो मैं जिना हॉस्पिटल से तालुक रखो है जैमें अस सी इंटीरियर भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है फ्री ऑफ कॉस्ट अलहमदुल्ला तमाम सुनो इलाज थे तो अज भी अस मरीज अचन था वह स्टेज थ्री या स्टेज फोर में अचन था जो लास्ट स्टेजिज आई जैमें अस उन मदद ना कर सकूँ तुम्हारी दुनिया की गाल करो वेस्टर्न कंट्रीज की गाल करो हाँ ब्रेस्ट कैंसर स्टेज वन में डायग्नोस थे तो जैमें उन्होंने हर तरीके से 100% लाइफ क्योर थी मिले थी जगह मतलब तो चवंदस ये प्रोग्राम दिसो था खुदा रा पान के चेक करो
पंहिंजा टेस्ट करायो ऐं बीमारी खे शुरू जी स्टेज में पकड़ियो ऐं जीअं डॉक्टर चवे तीअं करियो, चाहे उहो सुईअ वारो इलाजु चए, चाहे उहो बोन स्कैन चए, चाहे उहो सी टी स्कैन चए, पोइ तव्हां इलाजु करायो ऐं उन इलाज में थी सघे तव्हां पंहिंजी छाती खे बि बचायो, पंहिंजी ज़िंदगी खे बि बचायो। अच्छा मैडम, जे तव्हां स्टेज जी ॻाल्हि कई ऐं तव्हां चयो त इलाही अफ़सोस सां माना चवणो पए थो त जेकॾहिं थर्ड या फोर्थ स्टेज ते मरीज़ अचे थो असां वटि त असां बि उनजे लाइ कुझु नथा करे सघूं, पर असां काफ़ी अहिड़ा मरीज़ ॾिठा आहिनि, मतिलबु उहो त हाणे डॉक्टर खे वधीक ख़बर हूंदी त हू मतिलबु शायदि लास्ट स्टेज ते ई हूंदा आहिनि, पर डॉक्टर उन्हनि जो इलाजु कंदो रहंदो आहे, त छा इहो बि सही आहे या मतिलबु मरीज़ खे पंहिंजे हालति छॾे ॾिजे? जब तव्हांखे हिकिड़ी ख़बर पवंदी आहे, मतिलबु जेको बेस्ट डॉक्टर हूंदो आहे उनखे ख़बर पवंदी आहे त हीउ इन मर्ज़ मां निकिरी सघंदो या वीचारो हलियो वेंदो? अज़राई तमामु सुठो सवालु आहे। ॾिसो, असांजो ट्रीटमेंट जे हमेशह ॿ इंटेंट हूंदा आहिनि, त हिकिड़ो त बीमारी खे जड़ खां ख़तमु कजे, ॿियो हूंदो आहे उनखे चइबो आहे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, ॿी हूंदी आहे पैलिएटिव ट्रीटमेंट। हाणे ॾिसो न, मरीज़ वीचारो के तकलीफ़ सां अचे थो त उन तकलीफ़ त असांखे हल करिणो आहे न। जीअं मां तव्हां ॿुधायो, ब्रेस्ट कैंसर में शुरू जे स्टेज में का तकलीफ़ न हूंदी आहे, पर जीअं जीअं स्टेज वधंदी आहे तकलीफ़ शुरू थी वेंदी आहे, उनखे सूर बि थींदो, उनखे खोड़ तकलीफ़ थींदियूं, त असां उनजी तकलीफ़ हल कंदासीं, छाती में उहा ॻोड़ी ॿाहिरि निकिरी ईंदी आहे, उन मां ब्लीडिंग शुरू थी वेंदी आहे, उन में स्मेल अची थी। मां तव्हांखे ॿुधायां, असां उहे बि पेशेंट ॾिठा आहिनि जंहिंमें उन ॻोड़ी में कीड़ा पयल हूंदा आहिनि, मैगट्स जेके चवंदा आहियूं, असां मैगट ऑयल घुराए उन में विझंदा आहियूं त उहे सॼा अंदरां खां कीड़ा निकिरी ॿाहिरि ईंदा आहिनि, जेको उहो ब्लीड थो करे, फंगेट करे थो बैस, त असांखे पैलिएटिव ट्रीटमेंट बि करणी हूंदी आहे। पोइ जॾहिं कीमोथेरेपी ईंदी आहे त उहो कीमोथेरेपी ॾिसंदा आहियूं त बीमारी जी नोयत केतिरी लेवल जी आहे, पोइ असां उनखे बचाइण जो असां टाइम पीरियड हूंदो आहे, असांजी साइंस ॿुधाईंदी आहे त हिन माण्हू जी ज़िंदगी हाणे 6 महीननि खां 2 सालनि जी विझाए सघे थी, पर इहो त ख़ुदा खे ख़बर आहे त हाणे असां उन आसिरे में मरीज़ खे छॾे न ॾींदा आहियूं त भई हिनखे मरण लाइ छॾे ॾियो, असां उनजी ट्रीटमेंट ज़रूरु कंदा आहियूं, पर उन में उहे डोज़िस घटि थी वेंदा आहिनि त उनजा साइड इफ़ेक्ट्स बि घटि हूंदा ऐं उनजी लाइफ खे थोरो हिकिड़ी हूंदी आहे न क्वालिटी ऑफ लाइफ, थोरी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनजी इम्प्रूव थी वेंदी, उनखे सूरु न थींदो, उनखे कंहिं हॾी में तकलीफ़ आहे त उनजी लोकल शेवाऊं ॾेई करे उनखे उते ख़तमु कंदासीं, उनजो ऑपरेशन कंदासीं, या जेका जेकॾहिं ब्लीडिंग पई थिए त उहो ऑपरेशन करे उहो सिसो रिमूव करे छॾींदासीं ताकी उनजी तकलीफ़ घटि खां घटि कजे। पर इहो न आहे, कॾहिं कॾहिं स्टेज 4 में मरीज़ जी इलाजु तमामु सुठो थी वेंदो आहे, कुदरत उनखे रिस्पॉन्स ओतिरो ई सुठो ॾियारींदी आहे, उनखां पोइ बि उहो 2-3 साल ज़िंदा रहंदो आहे, असां इन करे इलाजु करणु कोन छॾींदा आहियूं, इलाजु ज़रूरी आहे। डॉक्टर राधिया, तव्हांखां मां इहो पुछंदमि की औरतूं जीअं पंहिंजी सेल्फ़ मेडिकेशन कंदियूं रहंदियूं ऐं टोटका शोटका अप्लाई कंदियूं रहंदियूं, छा जीअं तव्हांखां मां पुछो की औरतुनि जे हिन मेडिकेशन सां लाइक मतिलबु कोई ॿार फीड छॾाइणी हूंदी आहे त उहो डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीक़ा एस्पिरिन यूज़ कंदियूं आहिनि उहे, की उहा यूज़ कंदासीं ऐं ॿार भले जेको आहे सो, त उनजो एस्पिरिन केतिरो नुक़सानदेह आहे उहा शइ त ॿुधायो, ऐं जेको आहे सो ॿियो को तरीक़ो कहिड़ो आहे जेके जॾहिं फीड ॿार छॾे त उनखे मेडिसिन वठणु खपे? अच्छा, अगरि आसिफ़ असां हिन जे मेडिकल तरीक़े से या जेके असां सजेशन्स ॾींदा आहियूं, एक्चुअली न इहो पूरो हिकु नेचुरल प्रोसेस आहे, जीअं डिलीवरी थींदी फीट थियणु शुरू थींदो, तेसि ताईं माई फीट कराईंदी न उनजी फ्लो न ईंदी, इन करे ॿारु फीट कंदो त बॉडी में उहो हॉर्मोन्स ईंदा आहिनि ब्रेन जे थ्रू, ऐं पोइ उहो फीड हिकु रवा में हिकु साइकिल जेकी हलंदी रहंदी आहे, अगरि उहा साइकिल तव्हां कंटिन्यू पाण ई ब्रेक कयो था, ॿार खे फीड छॾायो था, उनखे ॿार ॿाहिरि जी जेको आहे तव्हां कोई ग़िज़ा स्टार्ट कराई आहे, त उहो साइकिल ब्रेक थींदो त नेचर खे टाइम ॾिजे, नेचर पाण कमु कंदी, ठीकु आहे तव्हांखे महीनो लॻी सघे थो, 10 ॾींहं 15 ॾींहं लॻी सघनि था, सिर्फ़ु तव्हांखे कंहिं शइ सां भउ हूंदो आहे त फीड पुठियां ईअं न ठहे त तव्हांजी ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट हा कोई सिस्ट न ठही वञे, तव्हांजो ब्रेस्ट हार्ट त नथी थिए, अगरि ईअं थिए थी पोइ अहिड़ी कुझु मेडिकेशन्स ईंदियूं आहिनि त तव्हां डॉक्टर वटि वेंदो त उहे तव्हांखे सजेस्ट कंदियूं, उहे पोइ उन साइकिल खे ब्रेक करण में जल्दी हेल्प कंदियूं ताकी कोई इन्फेक्शन न थिए जेको पुठियां दूध जमा थो थिए, लेकिन पाण जी तरफ़ सां कोई बि सेल्फ मेडिकेशन करणु, कोई टोटका इस्तेमालु करणु, इहो तव्हांजे लाइ इंजीरियस थी सघे थो, त साइकिल ब्रेक थींदी त नेचर पाण कमु कंदी आहे, लेकिन कोई अहिड़ो प्रॉब्लम लॻे थो त तव्हां फॉरन डॉक्टर वटि वञो ऐं हेल्प वठो। सही, सो टाइम थियो आहे हाणे ब्रेक जो, व्यूअर्स मिलूं था इन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन।
वेलकम बेक जी एक दफ़ा बीहर तुम सभी के भलीकार क्यों था जो है असाना एक्सपर्ट्स भी वेठा जी असड़ी खूबसूरत मालूमत भी मां चवंदस छो जो अवेयरनेस तो एक पैं जाए दूँ था पर खोड़ सारे अड़ी शन वक्त तामू अची चुक हूँ अस डेढ़ कलाक प्रोग्राम हली चुको है तो काफ़ी अड़ी शूँ हूँ जिनखा मतलब बेखबर हों तो हाँ तकीन बाखबर थी चुका हों सो बरहल असो है हया किया जे बारे में गलहिंदासी जिनजा कपड़ा उ वेयर कया ने उन जी बड़ी मेहरबानी जो है असके वॉर्डरोब देने के लिए सो वर डॉक्टर साहब अस गड है चवंदस तो हूँ सवाल कंटिन्यू क्यों आसिफ वो जो हॉलीवुड ए बॉलीवुड के स्टार्स में एतरी कैंसर छो पी दिठी जो कि केयर भी करना है पई बाजार तमाम खूबसूरत सवाल है मानु जी नॉलेज जे ला भी त चंदा है ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और त ये जे के सेलिब्रिटीज हुंदी है जिनजी कमाई उनकी जाहिरी अपीयरेंस से रिलेटेड होंगी उनके खोड़ अड़ा तरीका करना पवंदा जैसा उन्होंने जाहिरी हुसन बरकरार रहे एकड़ी गाल उनमें जैसे तरह नेचर का हटी कर तो उनमें डिप्रेशन्स मुख्तलिफ़ शूँ हैबिट्स ये जी इलाही वो रोल प्ले क्यों हाँ असो ब्रेस्ट कैंसर जो रिलेशन से प्रोग्राम है तो उनकी गाल करूँ तो ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादातर तो खबर न होंगी तो छो तो थे पर जिन जिन शन में खबर पे थी तो उनमें असेंगे उ शूँ खबर पुं तो भाई इन चीज़ों करण से ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा इन चीज़ों न करण से ब्रेस्ट कैंसर थे चांस हाँ माना असानी जी कहीं लाइफ में स्मोकिंग आ कें लाइफ में अल्कोहल की कंजम्पशन है कें लाइफ जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है ज़्यादा एक्सरसाइज न तो करे कम न तो करे या कें लाइफ में रेड मीट ज़्यादा है गोश्त चिकन जो ज़्यादा इस्तेमाल आ सब्जी जो इस्तेमाल घट है त उन मानून के ज़्यादा चांस थी सके तो हाँ ऐसो अनलकीली खाली स्मोकिंग अल्कोहल शहर में कोने बू भी खोड़ ड्रग्स उन साइड इफेक्ट्स जे असाज नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस के किथे न किथे इंटरप्ट कन था इन कर ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर चांस पार्टीज उन्होंने तेखा पो ता उन्होंने वेट लाई कंट्रोल में रखो पे तो हाँ एक तो वेट कंट्रोल कर हेल्दी स्टाइल है तो वॉक एक्सरसाइज कर बो हेल्थ के कंट्रोल वेट के कंट्रोल कर तरीको हों तो ड्रग्स वो उन ड्रग्स से वेट रिड्यूस थे तो उन ड्रग्स जो साइड इफेक्ट्स हूँ जैसे कर भी कैंसर थे चांस है टों जो इंपॉर्टेंट है वह चाहते हैं असेंगे प्रेगनेंसी न थिए वी डोंट वॉन्ट टू बी प्रेगनेंट अस बार ना जाए अस फिगर खराब थी असो कम खराब अस नव महीना कम का परे ना रही सकूँ असो एबडामिन लटकी पवन असा अस अगर प्रेगनेंसी थी भी वही तो अस ब्रेस्ट फीड ना करूँ अस ब्रेस्ट जो शेप खराब थी वो तो हाँ ये जैसे सभी चीज़ों आर्टिफिशियल तरीके से प्रिवेंट क्यों वो बार न थिए शादी न थिए अगर थिए तो वे अस उनके फीड न करूँ उन सभी शाँ गोरी जो इस्तेमाल करूँ दवाओं जो इस्तेमाल करूँ तो उसे सब शूँ मिली जुली कर इन कैंसर के मतलब दियन था तो सुन्नत में है तो निकाह जो है शादी जहाँ है बार जो है यो अस जरूरी है हजूर सलाह वसलम की सुन्नत हुई तो वो छो जरूरी है वो ये सभी शूँ अस दिए तो भाई अस ये नेचुरल शील्ड्स जो अस इन बीमारियों का बचाई थी सो अनलकीली जैसे असें प्रोफेशन में मसरूफ़ हूँ अस पान के टाइम न दई हाँ सपोज मुझो कम अगर डॉक्टर थियणा सर्जन थियणा घर का हर शे का बिल्कुल परे थी वहाँ तो यो न असेंगे एतदाल पसंदी तो खपे न लेकिन असि बॉडी में एतदाल पसंदी कोने तवाजुन कोने तो पो असा किड़ी एक्सट्रीम ना विंदासी या बी एक्सट्रीम ना विंदासी बई जे के से बना इंजुरियस फादर लाइक अच्छा मैडम इते मा यो पुछण चाहिंदम जे ता शादी जी गाल कई त आई खोड़ सारा एड़ा मसलान जिन ते सा गालायो भी पिया हार्मोन सब कुछ जको सिस्टम आ है औरत जो वो हार्मोन सा कनेक्टेड आ है त हिकड़ी मैक्सिमम वो केड़ी एज आहे जे में छोकरो हुजे या छोकरी हुजे त उनके शादी करन खपे त इनन सब प्रॉब्लम्स खा भी बची सकजे ऐसो हाँ इतने अची थी वन तो मूँ जो अर्ली मैरिज के खिलाफ़
बया मानू आइन जेके माना लेट मैरिजेस के खिलाफ आइन हाने जे मा पेरी गाल के कंटिन्यू किया एतदाल पसंदी को तवाजुन को बहुत जरूरी है हाने अर्ली मैरिजेस सा मकसद यो ना है तसा 13 14 साल जी छोकरी के शादी करायो जेके ने पाड़ के संभालण न थो अचे पांज रो खण जो रखे वो ताकत ता तो जे की वो शादी करे थी बार जाय थी तो उनके वो बार पालण घर गृहस्थी जेको संभालण उन जी तमीज न थी अची सके आई इन करे असा अर्ली मैरिजेस के खिलाफ आयो बट दैट डजंट मीन के असा 30 साल की उम्र का 35 साल की उम्र का जी डॉक्टर नादिया भी बुधाए पी गाल हले थी पई एग्स की गाल हले थी हाँ असा जेके एग्स ओवरी में ठन था जैसा बार भी थे तो जैमा हार्मोन्स भी निकरन था जेके असानी बॉडी जो बैलेंस रखन था जी उम्र वडी थे थी ती असा जी वडा थियो था ती वो एग्स भी वडा थियन था तो जी एज वडी थे थी 40 साल का 45 साल का एग्स पोड़ा थी अगर उन टाइम में अगर बार थिए भी तो वो जो बार हों नॉर्मल न हों यानी उनके डाउन सिंड्रोम हों उनके को भी उनमें एबनॉर्मलिटी अची वी इन करे जो है जो सुठो टाइम है शादी जो जो असो हिसाब से वो यो हों तो 20s का यानी 20-25 ईयर्स फीमेल की एज हो 25 ईयर्स हाँ ऐसो एक एजुकेशन में छोकरी है वो 20 ईयर्स में नी शादी करें तो दैट डजेंट मीन कि उनकी हर का शादी खराब आ पर बेस्ट टाइम जो है वो 25 ईयर्स वाली एज है तो 20-30 ईयर्स इज द बेस्ट टाइम टू कंसीव तो इन में प्रेगनेंसी थिए उन छोकरी है उनकी शादी थी 30 साल की है तो अस उनके चौंतो बार करें तू वो 5 साल वक्फो कर तो उनमें अस डॉक्टर नादिया चाहिए एडवाइस कदासी तो ज्यादा गैप न दियो ताकि तीन फैमिली अर्ली कंप्लीट कर वो पर जी छोक शादी 20 साल की उम्र में थी तो उन 22 साल की उम्र में कंसीव कर तो अस चाहिए हाँ तो पुठिया एज सुठी पी हाँ तू 5-6 साल गैप कर बार कर सो यो डिपेंड इन सभी फैक्टर्स से करें तो पर 20-30 साल की उम्र तमाम हेल्दी उम्र है जैमें अस बार कंसीव भी कर सकूंता वो हेल्दी भी थी सके तो उन में प्रिवेंशन भी कर सकते डॉक्टर नादिया अगेन मां उन क्वेश्चन ते इंदम जी त असा चो के नई टेक्नोलॉजी अची वे मतलब डाढ़ी तरक्की थी है मेडिकल वाली दुनिया में त हाने जी त बुधाया था जेंडर भी सिलेक्ट कर सकूं था के असा के छोकरो खपे या छोकरी त इन सा एक तो माशरे में जको सो वडो एकड़ो मसलो आ चलो ठीक आ भले छोकरी ते डिस्क्रिमिनेशन ते रहे तो पर जगह वो भी खत्म क्यों तो साइंस वो भी हेल्प कई असि तो वी का पुट भी जरूरी है वो भी करे तो पर यो भी जरूर पॉसिबिलिटी है कि जुड़वा भी जो सो बार खपन तो भी यूजली जैसे आसे अस ये टेक्नोलॉजीज IVF यूज क्यों तो अस एक बार ही इम्प्लांट क्या ताकि जो कान अगर एक न तो इम्प्लांट थे तो बो बार थी वने लेकिन यो एक्चुअली अस वस में न होंगी तब बॉडी कबूल केतरा थी करे थी तो सके ब एम्ब्रियोज विधा लेकिन उन में एक ही थे अच्छा ये भी थी था अगर असा टे विधा तो टे बार भी थी वेंदा वो जेकर पंज जेकर विजो तो पो बथी सकंदा न पर अगर अल्लाह ना करे पंज थी गया तो नोशन ऑफ फरोज में तो माने बिना के साइंस जे चार बार बस वो अल्लाह सही ते सबनी का वडो आईवीएफ स्पेशल ये तो जेके ने कुदरती तौर ते ता सब डठो हो 10 11 12 नव 12 भी काम थींदा बिल्कुल वो ना रीजन आ मतलब जिना टिक न हुंदो अच्छा एको ता माई जी एज भी काउंट कनिया ता खबर आ के जो का एक सरप्राइजिंगली तो जदे फीमेल जी एज घणी होती है ना जो मोर देन 30-35 तो ट्विन कंसीव करने का चांसेस घना होता है यस तो उनमें जेनेटिक ये थी तो सेपरेशन न थी सकंदी आ तो जो का एक बार जो बजाय बार थी बिल्कुल बिल्कुल ये ही थे पियो ये जी के ओवर एज मायू इन वो ही मतलब डिलीवर कर पियो सही सो बहरहाल वरी ब्रेक जो टाइम अची हुआ है तो ब्रेक भी जो को जरूरी हुआ तो वो था एक नंढड़ो ब्रेक आए जो को ब्रेक खा पे वरी गड Welcome back. You're sick for beer. Malikar, kyun ka taan ke ai ॿियो जेको आहे वरी हा आसिम महिरबानी कोन कंदो मां ई कंदमि हयाकिया जो जेको असां हयाकिया सॉरी जेको आहे कपिड़ा मूं वेयर कया आहिनि उन्हनि जी वॾी महिरबानी असां सां सहकार कयूं असांखे पंहिंजो वॉर्डरोब ॾिनो अथनि सो थैंक यू सो मच हयाकिया
ड्रेस लगे पे टाइम शॉर्ट विचो तो फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब केतरो पाकिस्तान में जो कैंसर जो रेशो किए पो केतरो कंट्रोल थो है केंदे व्यूं पे पाकिस्तान में अना एतरा रजिस्ट्रेशन प्रॉपर को बावजूद भी तक बुदा तो माना अस कुछ जगह जिसे रजिस्ट्रेशन थे थी तो साल में 90,000 का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस थियन था 90,000 का उन 40,000 जो असो बदकिस्मती से डेथ रेशो है जी अस दुनिया के हिसाब से गाल क्यों तो चवन था तो हर 12 मिंटन से एकड़ी जगह से माना कैंसर डायग्नोस थे थी ब्रेस्ट कैंसर हर 6 मिंटन का वह डेथ उनकी थे थी जी 8 औरतू पा में बीठल आई तो उन 8 में एकड़ी औरत के कैंसर थे चांस हों ये अस बदकिस्मती से पाकिस्तान जो स्टेटिक्स जैसे असर जरूर खबर होजन घुर्जे ऐसो छाती जो है वो बॉडी जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है जो अस वस में हों इन पेट के अंदर को घोड़ो थे तो मुख्य कें खबर न पवी जेस तीन वो घोड़ो को सिम्पटम पैदा करें अल्ट्रासाउंड वही करा या दिखारे पर छाती अड़ी शा पान पैं हथ से चेक कर ऐसी सोता बगैर कें खर्च के बगैर कें तकलीफ के सिर्फ 10 मिनट महीने में पान के एक दफा दियण से कैंसर के स्टेज 1 में स्टेज 2 में तशखीस कर सोता बगैर कें तकलीफ के बगैर कें छाती जी कुर्बानी जे तमा पान के न इलाज वठी करे न बीमारी का बची सके। अच्छा मैडम जे ता गाल कई त ब्रेस्ट कैंसर जने थिनिया त उन जो जका गुटली बे अगर थिनिया त असा के तकलीफ न थिनिया पर मैडम का पूछना सी ओवरऑल जका कैंसर एक लफ्ज येड़ो आहे त उन बीमारी जो नालो वठण में मानु थिंदा पर के भी किस्म जी कैंसर जिस्म में अगर पैदा थे थी तो उन जो छा सिम्पटम्स आइन उन उहा भी बीमारी खामोशी तरीके सा थिंदिया जिसम जो कोई भी हिस्सो नॉर्मल ग्रोथ के बजाय एक्सटेंसिवली ग्रो थे शुरू ग्रो थे सेल्स जो खुलिया होंगे मल्टीप्लाई कर ऑल ऑफ अ सडन एबनॉर्मैलिटी तरफ हली वा जैसे एबनॉर्मल थींदा तो वे वधंदा भी वे वरी जिस्म जिनमें हिस्सन में फैलंदा तो जेके नॉर्मल असांजे जिस्म जा औज़ा हैं फॉर एग्जांपल अल्लाह न करे वो ब्रेन में तो वने वो लंग्स में तो वने लिवर में तो उन जो नॉर्मल जो कम आ बॉडी में वो कॉम्प्रोमाइज़ थींदो आ ईअं ही करे उन्हनि जा फंक्शंस जॾहिं लॉस थींदा आहिनि त माण्हू डेथ जी तरफ हली वेंदो आ तो हाँ उन एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के अच्छा असांजी बॉडी में जोड़ तोड़ सेल्स जी रहंदी आ अल्लाह से निज़ाम जैसे वार किरंदा नवा निकरंदा नाखून कटींदा नवा निकरंदा ये जोड़ तोड़ सेल्स जी हलंदी आ लेकिन वह एबनॉर्मैलिटी तरफ किए थी वने उन टाइम ते किए रोकजे तो वो एक जनरल कैंसर के प्रिवेंट करने जा तरीका होंदा उन में ऑफकोर्स वरी वही गाल इंदी जेकी तहां शुरू में चई तो सबनी का वरी गाल सुस्ती के भगाएं हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर असा हेल्दी लाइफ स्टाइल के रखे तो अस जनरली कैंसर का बची सकूँ था यो ही रीज़न आ छो अजकल एक घर छे एक में कैंसर जैके बुध फलान नंढन बारन में भी कैंसर से तो उनको रीज़न यो तो अस नॉर्मल का डेविएट थी वह सुबह जो प्रॉपर टाइम से उथू न था रात जो प्रॉपर सुमू न था मिठाण घड़ो थी वो मीठो जैसे भी अस क्विक एनर्जी खपे अस फॉरन भाई हे खाऊँ खाऊँ जो मिठाण में छा हों अस क्विक एनर्जी मिली जल्दी से चाय पी छूँ जल्दी से बाहर से हे वूँ एनर्जी मिले पाँच कमन ते वनू तो जी बी शन फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स जैमें मेहनत थी लगे धोण में कटण में अस क्यों फ्रिज में वो सड़ी था गोश्त डॉक्टर जी गोश्त घो खाने से भी मतलब कोई भी चीज़ जी एक्सट्रीम एतदाल डॉक्टर साहब अच्छी बुधा ना एतदाल तुम गोश्त जरूर खाओ हफ्ते में ब या टे दफ़ा तुम मुर्गी जरूर खाओ चिकन जरूर खाओ लेकिन पुठियाँ ऐसो सोर्स कड़ो आ तुम फ्रूट जरूर वो तुम मिल्क जरूर पियो अच्छा एक्सरसाइज जरूर करो पेरियों जमाने में पा कम ही एडा हूँ हुआ वॉक के थ्रू वेंदास जो बाहर जो मुल्क अना तीन साइकिलिंग के प्रोमोट कंदा तो तुम कम कर साइकिलिंग यानी कि उन टाइम भी तुम पाँच एक्सरसाइज कंदा वो तो असा जो एक्सीडेंट्री अस लाइफ स्टाइल आ अच्छा एक तुम प्लेटफॉर्म से एक कॉलर भी मौजूदा कंटिन्यू कर कॉलर के एंटरटेन के वाला अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी अदा केर पे गलायो किताब का गलायो मुस्तखरा हो जी अदा प्रोग्राम में शामिल थियाओ छाता पुछण चायो छाता शेयर करण चायो जी जी कैंसर भी है और थोड़ा गदूद भी है
कंहिंखे तव्हांजी वाइफ खे घोड़ी आहे त उहो पंहिंजे जेका क़रीबी डॉक्टर तव्हांखे ब्रेस्ट जो मिले उन ॾे तव्हां ज़रूरु उन्हनि खे वठी वञो, उहो चेक करायो, थी सघे थो उहो कैंसर न हुजे ऐं इनशाला कैंसर कोन हूंदो, बेज़र गिल्टी हूंदी पर उनखे चेक कराए उनजो इलाज कराइणु तमामु ज़रूरी आहे। ॿियो कुझु पुछणु चाहींदव? सिंधी में ॻाल्हायो, असां कंफ्यूज था थियूं। इन जो हल डॉक्टर साहिब इहो ॿुधाए थी त जेकॾहिं तव्हां टेस्ट करायो आहे त तव्हांखे कैंसर ॿुधायो अथनि त उनजो इलाज मौजूदु आहे। अगरि तव्हां टेस्ट नाहे करायो त तव्हां फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट करायो त आख़िर उहा जेका ॻोढ़ी आहे या गुदूत आहे उहो छाजो आहे, छाजो आहे, पोइ छा था चवनि डॉक्टर? नॉर्मल ॻोढ़ी आहे या कैंसर आहे? नॉर्मल ॻोढ़ी जेकॾहिं आहे त उनखे बि कुझु टाइमनि ते कढाइणु ज़रूरी हूंदो आहे, जीअं न त पोइ हर टिनि या छह महीननि खां पोइ तव्हां पंहिंजे डॉक्टर खे ॾेखारियो त उहो जेको ख़बर पइजी वेंदी त उन में का वाध त नथी अचे, उन में का चेंज त नथी अचे, त इहो ॾेखारणु ज़रूरी आहे। ठीकु आहे भाउ, ॻाल्हि सम्झ में अची वई तव्हां। वराए छॾियो, छा था चओ? अल्ट्रासाउंड करायो, उन में नॉर्मल ॻोढ़ी, नॉर्मल आहे, नॉर्मल आहे त पोइ बस, बस मतलबु छा जो टेंशन आहे, बस ऑब्जर्व कंदा रहो, हर टिनि महीननि खां पोइ डॉक्टर, या डॉक्टर खे, मैडम जी चयो त तव्हां डॉक्टर खे ॾेखारींदा रहो वरी ॿ महीने खां पोइ, टिनि महीननि खां पोइ तव्हां डॉक्टर खे ॾेखारींदा। इहा तमामु सुठी साइन आहे की ॾिसो सिंध टीवी लखे माण्हू ॾिसनि था ऐं असांखे पंहिंजी कम्यूनिटीज़ में फिज़िकली बि मतलबु मां सम्झा पियो की काफ़ी एन जी ओज़ बि हूंदियूं, सिविल सोसाइटी जा काफ़ी माण्हू आहिनि जेके इन ते कमु बि कनि पिया, त इहे असांखे अवेयरनेस ॾियणु खपे। जीअं हाणे असांखे हिकिड़े मर्द ज़रा कॉल कई त इहा बि हिकिड़ी सुठो इम्पैक्ट आहे। बिल्कुलु, सो बिल्कुलु कॉलर मैडम तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि कंटिन्यू कयो। त एक्चुली असां प्रिवेंशन ते हुयासीं त प्रिवेंट कीअं कयूं, हेल्दी लाइफ स्टाइल ज़रूरी आहे। अच्छा, कुझु ॾींहं पहिरियों, कुझु टाइम पहिरियों मां कुझु थोरी रिसर्च कई ग्रीन टी ते, त मूंखे हुन जे बारे में काफ़ी सुठियूं ॻाल्हियूं सम्झ में आयूं ऐं उन्हनि जी पूरी चीज़ूं पढ़ियूं, त मां चाहियां थी मां तव्हांजी बि प्लेटफॉर्म था बचायां। त जेकी ग्रीन टी आहे उहा हिकु हर्बल टी हूंदी आहे ऐं उन जा बि मुफ़ादात में उन्हनि जा जेके फ़ाइदा आहिनि, उन जो हिकु फ़ाइदो इहो आहे त उहो कैंसर प्रिवेंशन थी करे, इन करे जो उन में अहिड़ा एंटी टॉक्सिन्स हूंदा आहिनि, यानी की अहिड़ी शयूं हूंदियूं जेके असांजे बॉडी में विढ़ंदियूं आहिनि उन्हनि सेल्स सां जेके ओवर ग्रो था कनि इन्फ्लेमेशन सां, सूजन सां। त पोइ अगरि तव्हां ग्रीन टी पंहिंजी लाइफ में अहिड़ी क़िस्म जी शयूं इनकॉर्पोरेट कंदो एटलीस्ट वंस टू ट्वाइस अ डे, त उहो तव्हांजे लाइ काफ़ी बेनिफिशियल हूंदो। त सुठी हेल्दी लाइफ स्टाइल वटि अचो, सब्स चांहि पियो, जेकी दूध वारी चांहि उनखे प्रिवेंट कयो, चीनी विझणु उन में प्रिवेंट कयो, त इहे शयूं तव्हां कंदव त होपफुली इनशाला जनरली इन सां प्रिवेंशन थी। ऐं यकीन कयो मतलबु अहिड़ी सुठी जेको आहे कचहरी असांजी हले पई, अहिड़ो सुठो ज़बरदस्त टॉपिक आहे जंहिं ते असां ॻाल्हायूं पिया। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असां पंहिंजी ज़िंदगी बचाइण जे लाइ पंहिंजा हल पिया ॻोल्हियूं त कीअं कहिड़े तरीक़े सां असां हिन बीमारियुनि मां बची सघूं या पंहिंजी ज़िंदगी बचाए सघूं, त पर इहो आहे त टाइम जेको आहे साथ न ॾींदो आहे, असांजा ॿ कलाक ईअं गुज़री वेंदा आहिनि, का ख़बर नाहे पवंदी। सो मैडम मतलबु ॻाल्हियूं त अञा खोड़ सारियूं, सवाल त इलाही खोड़ सारा हुया। हाणे तव्हां त हाणे जेकॾहिं तव्हांखे वधीक कुझु ज़रूरत आहे त डॉक्टर नादिया, डॉक्टर सुग्रा ॿिन्ही खे तव्हां जेको आहे सो रीच करे सघो था। सो असां कोशिशि कईसीं थोरे टाइम में असां घणो कुझु पुछूं, ऐं यकीननि असां उहे जेके मेन जेके क्वेश्चन्स आहिनि असां ज़रूरु उहे डिस्कस कया आहिनि, कुझु रहिजी विया हूंदा। सो तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी मैडम। जावेद साहिबु जेको असांजो डायरेक्टर आहे उहो स्पेशल थैंक्स कनि था तव्हांखे बि, तव्हांखे बि त तव्हां एतिरो मसरूफ़ रहण जे बावजूदु पंहिंजो टाइम कढी आया आहियो। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मैडम जे लाइ मां इहो ज़रूरु चवंदसि त मैडम हिकिड़ो पंहिंजो नालो पाण आहे जेको चवंदा आहिनि न पंहिंजो मटु पाण। सो बहरहाल को लास्ट में को मैसेज ॾियणु चाहींदव? पहिरीं त तव्हांजो कुर्ब तव्हां मूंखे मौक़ो ॾिनो, हुते मां आयसि ऐं तव्हां सां ॻाल्हायमि ऐं पंहिंजे माण्हुनि खे कुझु न कुझु ॻाल्हियूं ॿुधायमि। मां त पंहिंजे ॻोठाणी औरतुनि खे एप्रिशिएट करणु चाहींदसि आख़िर में, जेका ॻाल्हि हले पई त सेडेंट्री लाइफ स्टाइल या वक़्तु, तव्हां ॾिसो असांजे ॻोठनि में सुबुह सवेरे उथंदा आहिनि, फार्म में वेंदा आहिनि, ज़मीननि में वेंदा आहिनि,
सख्त वाली जिंदगी गुजारंदा आहिनि, गाॾियुनि में असां वांगुरु न घुमंदा आहिनि, लस्सी पीअंदा आहिनि जेका हेल्दी, हुते जूं सब्ज़ियूं जेके हुते उगनि थियूं उहे खाईंदा आहिनि, ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो उन्हनि में कैंसर न आहे, उते कैंसर जो जेको आहे इन शइ मां तव्हां प्रमोट थियो, ऐं तव्हां ॾिसो त असांजी लाइफ जे लाइ हेल्दी लाइफ स्टाइल केतिरो ज़रूरी आहे। मुंहिंजो सलाम आहे उन्हनि औरतुनि खे जिन वटि कोई सहूलियतूं न आहिनि, उन जे बावजूद बि उहे सुबुह खां राति ताईं पंहिंजी मुख़्तलिफ़ शयुनि सां जंग कनि थियूं, ऐं बाक़ी इहो आहे त अर्ली डिटेक्शन इज़ द की ऑफ दी सक्सेस। हर बीमारी खां डिॼणो न आहे, चवंदा आहिनि न मोर जेको हूंदो आहे उहो पंहिंजे पेरनि ॾे न ॾिसंदो आहे त ख़राबु हूंदा आहिनि, पर जेकॾहिं असां खां ख़राबु शइ खे अवॉइड कंदासीं त इट्स नॉट अ सोल्यूशन, यू हैव टू फेस, जान आहे त जहान आहे, ऐं उन सां मुक़ाबिलो करिणो आहे, ऐं अलाह पाक जी मदद सां असां इंसाननि खे असां अलाह से एतिरी ताक़त ॾेई छॾी आहे त कैंसर जहिड़ी बीमारी सां बि असां विढ़ी सघूं था, ऐं जीत असांजी मुक़दर आहे। जी मां बि डॉक्टर सुगरा खे ई सेकेंड कंदमि त जेको आहे जेके बि इन ख़वातीन असांखे तव्हांजे शो जे थ्रू फॉलो कनि थियूं, असांजी माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी ऐं जनरल डिस्कशन थी आहे ब्रेस्ट कैंसर ते, ओवरऑल कैंसर ते, थोरी इनफर्टिलिटी खे असां टच कयो, त इन करे जॾहिं बि तव्हांखे कोई प्रॉब्लम आहे मां बि तव्हांखे इहो एडवाइस कंदमि त फलाणनि जा मशवरा वठण जे बजाए अॼुकल्ह एॾा माशाल्लाह डॉक्टर्स आहिनि, तव्हां डॉक्टर्स खे पंहिंजे रीच कयो, ऑनलाइन कंसल्टेशन थियनि थियूं, मां पाण ऑनलाइन प्रोवाइड कंदी आहियां त ऑनलाइन कंसल्टेशन थियनि थियूं, तव्हां घर वेही फ़ोन ते ॻाल्हाए सघो था डॉक्टर्स खां, त तव्हां प्लीज़ उन्हनि सां मशवरा वठो। जीअं असांखे हाणे भाई कॉल कई त जी उन यकीननि डॉक्टर खे ॾेखारे वेठो आहे पर वरी सेकेंड ओपिनियन बि वरितो, हिक सां तव्हांखे नथी ॻाल्हि सम्झ में अचे नो प्रॉब्लम, तव्हांखे ॿिए खां बि पुछो, लेकिन पंहिंजो इलाज डॉक्टर जे मुताबिक़ कयो ऐं पंहिंजा टोटका वग़ैरह। इनफर्टिलिटी जे हिसाब सां जेतिरो डिस्कस कयो वियो आहे या जेतिरो बि तव्हांखे हकीम जेतिरा पाकिस्तान में मिलंदा त एॾो वॾो मसलो आहे, एॾो वॾो मसलो हूंदे बि एॾी पॉपुलेशन वॾी आहे, चवंदा आहिनि पाकिस्तान का बड़ा मसला है ये, पाकिस्तान का बड़ा मसला है इनफर्टिलिटी, आहे ज़हनी मसलो आहे, ॿियो कुझु बि न आहे। सो बहरहाल टाइम बिल्कुल ख़तम थी चुको आहे, वरी मैडम ज़िंदगी रही त तव्हां ॿिन्ही सां वरी मुलाक़ात थींदी, ऐं ज़िंदगी रही त वरी असां सुभाणे तव्हां सां गॾु हूंदासीं। आख़िर में जेको आहे न आसिफ़ खां ख़ूबसूरत सॉन्ग ऐं कपिड़ा जेके आहिनि उन्हनि कपिड़नि वारनि जी वॾी महिरबानी, हया किया वारनि जी जिन असांखे वेयर लाइ ॾिनो, वॾी महिरबानी उन्हनि जी, ऐं न न बाक़ी कपिड़ा सुठा आहिनि, तमामु सुठा कपिड़ा ॾिनो अथऊं, इहा उन्हनि जी महिरबानी आहे, ऐं ऐं असांजा महिमान असां वटि आयल आहिनि, मैम म्यूज़िक जेको आहे तमामु उहो बि हिकिड़ो सम्झो के मेडिसन हूंदी आहे, असां इहो ॿुधो आहे जॾहिं माउ जे पेट में ॿारु हुजे त उनखे म्यूज़िक ॿुधणु खपे, उनजे ॿार ते बि उनजा असरात पवंदा आहिनि। कंहिंसां तुंहिंजो प्यार
मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स डिसो हाने एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असा जो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी एचडी।